अच्छा रिकॉर्डिंग मैसेज के आगे में थोड़ा कर हुआ यस सर। है ना। ओके ठीक है। अच्छा तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन, सभी को फिर से गुड मॉर्निंग। तो सर आज बेसिकली एग्जीक्यूटिव लेवल में हम लोग ये जनरल लॉ एंड जुरिस्प्रूडेंस का क्लास करेंगे, और आज जो टॉपिक मैं करूँगा ये एक्चुअली एंट्रेंस में भी है, मतलब एक्चुअली आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊँगा, ये CS एंट्रेंस एज वेल एज CS एग्जीक्यूटिव दोनों लेवल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव लेवल में भी इसको डिटेल्स में समझाया जाता है, और एंट्रेंस को भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छा नॉलेज गैदर करना होता है। सो ठीक है कोई बात नहीं, तो जिसका जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए कर लो, लेकिन आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, ऐसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं लॉ के अंदर, ऐसे कोई मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन को सब्जेक्ट बोलना भी नहीं चाहिए, हाँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कोई विषय नहीं है, ऐसे दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट एग्जैक्टली, और ये कोई सिलेबस या टॉपिक भी नहीं है, ये एक्चुअली हमारा जीने का तरीका है, हाँ क्या बोलते हो। मॉडर्न डे में स्पेशली ब्रिटिश एरा के बाद ये जो पूरा इंडिया है, जो भारत है, जो भारतवर्ष है, इसमें अगर आपको जीना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जीना होगा, क्या बोलते हैं आप लोग बताइए, क्या मैंने कुछ रॉन्ग बोला। कॉन्स्टिट्यूशन कोई लॉ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन कोई सब्जेक्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन एक जीने का तरीका है। इसका मतलब ये है कि संविधान के बारे में सबको जानना, मतलब हाँ गुड मॉर्निंग स्नेहस, गुड मॉर्निंग। संविधान या कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में जो नॉलेज है ये सबके अंदर होना चाहिए, नॉट जस्ट कि जो लोग लॉ के स्टूडेंट्स हैं, नॉट जस्ट कि जो लोग कंपनी सेक्रेटरी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ऐसा नॉट जस्ट फॉर देम, ये सबके लिए है। तो क्या सबको ही संविधान जानते हैं, क्या सबको ही संविधान का स्टडी करते हैं, नहीं ऐसा तो ज़रूरी नहीं, सबको ही पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए, शिक्षा सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। बट यही प्रॉब्लम है ना हमारे देश में कि अभी भी एजुकेशन का स्कोप बहुत खाली है, मतलब अभी भी ओरिजिनल एजुकेशन सबके पास पहुंचा नहीं जाता, ठीक है कोई बात नहीं, आई होप कि धीरे धीरे आ जाएगा ये सब चीज़ भी, आगे आगे सभी के अंदर स्प्रेड हो जाएगा, और जो स्पेशलाइज्ड बनते हैं लाइक CS बनते हैं, लॉयर्स बनते हैं, CA बनते हैं, उनको तो ये सब नॉलेज एकदम आँख बंद करके समझना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग देश का कौन हो सर, मतलब पिलर बन, आप लोग एक्चुअली पिलर हो, CS CMA वाले स्टूडेंट्स ये सब पिलर होते हैं समाज का, देश का, ठीक है सर, ये सब बात तो समझ में आ जाता है, आप पढ़ाओ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाओ, ठीक है। आज मैं आपका एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू देने वाला हूँ, मतलब एक कम्प्लीट ओवरव्यू, ऐसे समझ के चलिए कि एक कम्प्लीट ओवरव्यू जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन का A to Z, करेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कंडीशन, ठीक है, रिसेंट क्या अमेंडमेंट हुआ है, इसके बाद मैं धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड ऐसे आज के ओवरव्यू जो चलेगा, ओवर कॉन्स्टिट्यूशन है इसका ओवरव्यू, आई थिंक और एक दिन लग सकता है मे बी, उसके बाद मैं कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जो सवाल एग्जाम में पूछते हैं, उस तरह का डिस्कशंस भी मैं आप सभी के साथ करूँगा, ठीक है। लेकिन बिफोर दैट आप कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से जाने समझे, ठीक है, और बीच बीच में आपसे सवाल जवाब मेरा होता रहेगा, ठीक है, समझ में आया सबको। अभिषेक, मिसेस बनर्जी, ज्योति, मुझे जाच्चे मतलब मैं क्या बताने चाह रहा हूँ, ओके सर, ओके ओके ठीक है। शालिनी समझ में आ रहा है बहू, बोल। यस सर। ओके सर ठीक है। ये CS एंट्रेंस में अगर देखोगे तो ये लीगल एप्टीट्यूड का पार्ट है, और लीगल एप्टीट्यूड में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंट्रेंस में भी देखने को मिलता है, और जब हम लोग बात CS एग्जीक्यूटिव लेवल में देखते हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आपको एकदम जुरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ, जुरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ के अंदर जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, सोर्स ऑफ लॉ आप लोगों ने पढ़ लिया सर, ठीक है, मैंने इतना दिन आप लोगों को एग्जीक्यूटिव का बात कर रहा हूँ, आप लोगों में इतना दिन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के बारे में काफ़ी डिस्कशंस कर रहा था, जो CA का भी था, लेकिन अभी मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है, इसका ब्रॉड फ्रेमवर्क क्या है, फंडामेंटल राइट्स, इसको लेके आजकल बहुत ज़्यादा बातचीत चल रहा है सर, फंडामेंटल राइट्स को लेके कि हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है, इसको छेड़छाड़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है फंडामेंटल राइट्स और कुछ और चीज़ों के साथ कन्फ्लिक्ट होते हैं, तो जब कन्फ्लिक्ट हो जाए तो क्या करना चाहिए, है ना, तो
तो कन्फ्लिक्ट जब हो जाए तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचना चाहिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, या फिर देश का जो आईन कानून बनाने वाले, जो देखभाल करने वाले, वो लोग सोचते हैं कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ आगे आगे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एज एन इंडियन सिटीजन आपका क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स का मिसयूज करने से क्या होता है, इसका भी नॉलेज आपको मिलेगा। अच्छा, डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, ठीक है, मतलब किस तरह से पूरा स्टेट सेंट्रल मिलजुल के काम करते हैं, फेडरल कॉन्सेप्ट में काम करते हैं, मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। पावर्स ऑफ यूनियन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर, स्टेट गवर्नमेंट का पावर, मतलब अगर आप पश्चिम बंगाल में रहते हो तो पश्चिम बंगाल का पावर, अगर आप बिहार में रहते हो, मणिपुर में रहते हो, महाराष्ट्र में रहते हो, जहां पर भी आप रहते हो, आपका स्टेट का क्या पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब दिल्ली से जो हमारा देश का कैपिटल के थ्रू से जो कंट्रोलिंग होता है उन पे कितना कंट्रोलिंग है, जुडिशियल फ्रेमवर्क कैसे बना हुआ है, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क कैसे बना हुआ है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस कैसे काम करते हैं, मनी बिल, फाइनेंस बिल, अदर बिल्स बात करूंगा, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी, देयर रोल, राइट ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स एंड देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग एक है, आगे आगे बात करूंगा, ठीक है। लेकिन एकदम जल्दी जल्दबाजी नहीं करना है, पहले पूरा कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर लॉ के अंदर यहाँ पर आपको काफी लीगल टर्म्स नजर आएगा, वो लीगल टर्म्स का मतलब भी समझेंगे, लेकिन मतलब समझ के उसको रट मतलब याद तो करना है, यस, बिकॉज काफी लैटिन यूज किया जाता है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया लॉ के क्लास में कि लॉ में जो लोग काफी पहले से लॉ कर रहे हो, लॉ में लैटिन फ्रेज का यूज बहुत है। इसका मेन रीजन है बिकॉज इंग्लिश लॉ अपने यूरोपियन जो पुराने कॉन्सेप्ट है, जैसे कि रोमन कॉन्सेप्ट जो है, लैटिन मतलब एक्चुअली रोमन, ओके, रोमन लैंग्वेज, रोम में जो लैंग्वेज यूज किया जाता था वो ग्रीक एंड लैटिन, उसमें से लैटिन लैंग्वेज रोमन, रोम का लैंग्वेज है, और ये रोमन का बहुत बड़ा प्रभाव इंग्लिश के अंदर है, और इसीलिए इंग्लिश, और हम लोग भी अपना जो लॉ बनाया है इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, या फिर नॉट जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और भी बहुत बहुत सारा लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले से बन के हमारे देश में चल रहा है ब्रिटिश एरा से, ठीक है। तो आप देखोगे कि हर जगह में आपको लैटिन का यूज बहुत ज्यादा है, लैटिन या लातिन जो भी आप बोलते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा। इसके पीछे का रीजन मैं हर क्लास में बोलता रहता हूँ कि बिकॉज ब्रिटिश जो है वो यूरोपियंस एरिया में बिलोंग करते हैं, यूरोप में बिलोंग करते हैं, और ब्रिटिश मतलब यूरोपियन एरिया का जो सबसे पावरफुल या सबसे पुराना एरिया है, यूरोप का जो सबसे मॉडर्न और पुराना मतलब सबसे मॉडर्न टाइम में सबसे ज्यादा दिन यूरोप में जो कंट्री का या जिस एरिया का सबसे ज्यादा रोल प्ले रहा है यूरोपियन समाज में, उसमें ये समाज का रोल प्लेइंग। अच्छा, मैंने ये नहीं किया ना, स्क्रीन शेयर नहीं किया ना, चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँगा, हाँ अब हो गया। सर, यस सर, ये बात मैं हमेशा हर क्लास में ही बोलता हूँ, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको बहुत सारा लैटिन फ्रेज देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो बहुत मिलेगा। ये सब लैटिन फ्रेज से घबराने का वाला बात नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा बिकॉज इंडियन लॉ यूरोपियन लॉ से काफी ज्यादा प्रभावित है, बिकॉज ब्रिटिश से ही तो हम लोगों ने बेसिकली एक तरह का डिसेंडेंसी में लिया है ना, मतलब डिसेंडेंट है हमारा, ठीक है, असेंडेंट डिसेंडेंसी में हम लोगों को मिला है बेसिकली, जिसे हम लोग बोले ना हमारा पूर्वज कौन है, ब्रिटिश बन गया अभी, ठीक है, पूर्वज हमारा कौन है हम लोगों को नहीं पता, लेकिन ब्रिटिश हमारा पूर्वज बन गया सर, हमारे एंसेस्टर बन गया, ठीक है। तो एक एंसेस्टर वे में हमें मिल गया है ब्रिटिश से, और नॉट जस्ट ब्रिटिश, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने में और भी कंट्री का बहुत बड़ा योगदान है, आपको मैं बताऊंगा। ऐसे ब्रिटिश का इफेक्ट तो आपको दिखेगा हमारे संविधान में, बट नॉट जस्ट ब्रिटिश, ब्रिटिश के अलावा और भी कंट्री है जिनसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा इम्पैक्ट लिया है, ठीक है, तो उसका भी जानकारी देंगे, और किस किस पैरामीटर में अलग अलग कंट्री के कॉन्सेप्ट हम लोग अपने संविधान में 1950s में लगाया है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन जो मैं आपको बात कर रहा था कि ये जो एरिया अगर आप देखोगे क्यों इतना लैटिन यूज करना है, आपके मन में सवाल हमेशा रहता है, मैं स्टार्टिंग में ही बोल दे रहा हूँ, बिकॉज लैटिन आएगा, ये इटली, रोम, ग्रीस, ठीक है, ये जो एरिया है ना, ये एरिया यूरोप में एक बहुत ही पुराना और यूरोप के हिसाब से बहुत ही मॉडर्न और पुराने कॉन्सेप्ट में बना हुआ एक जगह है, साम्राज्य है, इनका इफेक्ट पूरा यूरोप में है और इंग्लैंड में भी है, और इंग्लैंड भी अपने लॉ में रोमन रूल्स, रेगुलेशंस, कंट्री रन कराने का अलग अलग तौर तरीका, ये सब रोम में भी, मतलब रोम का तौर तरीका
नॉट जस्ट ब्रिटिश, और भी बाकी कंट्री का भी लॉ पढ़ोगे तो शायद आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा. बट एज ए मतलब ये बेसिकली लैटिन यूज होने का हिस्टोरिकल रीजन में आपको थोड़ा सा बता दिया, तो घबराने का कोई जरूरत है नहीं, जो है वो तो पढ़ना है. अब इसको मैं, मेरा मन बस तो चले ना, अगर मेरा बस चले तो मैं सारा लॉ को चेंज कर दूं और सब दुनिया भर का नियम को खत्म करके आपको बताऊं कि सर इंडियन वाला कौन से पढ़िए, क्योंकि देश के अंदर सबसे बेस्ट तो देश का नियम ही लागू होना चाहिए, देश का भाषा लागू होना चाहिए. मेरा बस चले तो मैं वही बोलूंगा, लेकिन अभी जो हो गया सो हो गया, अब जो पढ़ना पड़ेगा वो तो पढ़ना पड़ेगा. एक्चुअली भारत का हिस्ट्री भी बहुत रिच है, मैं हर क्लास में बोलता हूँ, लेकिन अभी जो हमें मिला है वो हमें लेके चलना है. लेकिन बहुत सारा अच्छा चीज़ भी मिला है आपको कॉन्स्टिट्यूशंस में, मॉडर्न डे में देखने को मिलेगा. तो चलिए मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में कुछ वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट बातें करना चालू करता हूँ. आज मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशंस का क्या बताऊँगा, ओवरव्यू बताऊँगा, ठीक है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का स्टार्टिंग पेज है सर, ठीक है? चलो मैं आपको थोड़ा सा विकिपीडिया सोर्स से डिटेल्स बताता हूँ, ताकि इंस्टीट्यूट के मैट से भी आप देखोगे वही बात है जो बात मैं बोलूंगा. ये एंट्रेंस के मैट के अंदर भी मिलेगा आपको, एग्जीक्यूटिव के मैट के अंदर भी ये सब मिलेगा. ये सब चीज़ मैं बताऊंगा आगे आगे, फंडामेंटल राइट्स वगैरह एवरीथिंग डिस्कस करूंगा, बट पहले थोड़ा सा प्रीएम्बल समझना है, ठीक है? अच्छा, क्या आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है? मतलब ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल का जो डिजाइन है, दिख रहा है क्या आप लोगों को? अगर आप देखें यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये जो फ्रंट पेज भी है, ठीक है, इनको ये जो अलंकरण या सिग्नेचर ऑफ द आर्टिस्ट जिन्होंने इनको बनाया है, जो आर्टिस्ट है इनका, ठीक है, इनका भी नाम जान लो, कॉमन जनरल नॉलेज है कि संविधान का जो अलंकरण किया गया है उस किसने किया है, जानते हो सर? ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा के संरक्षित हस्ताक्षर, ठीक है? मतलब ये जो डिजाइन है ये ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा के, ठीक है, एज राम, ठीक है, इसी सिस्टम से ये बनाया गया, राम मनोहर सिन्हा एज राम, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट से ही ये संविधान को बनाया गया सर. जान लो, ये सब जानकारी जरूरी है आप लोगों के लिए, जनरल नॉलेज भी है कि संविधान का जो डिजाइनर है या अलंकरण जिन्होंने किया है कौन है, नहीं है, ठीक है? तो आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि क्या लिखा हुआ है हमारे संविधान के प्रीएम्बल पे. इसको बोलते हैं प्रीएम्बल, मतलब संविधान के शुरू में ही कि क्या क्या मैटर, समरी करके बेसिकली, ये पूरा संविधान का एक समरी है. क्या नजर आ रहा है ये जो दिखाई दे रहा है, या फिर बहुत ही छोटा दिख रहा है आप लोगों को? प्लीज टेल मी, क्या दिखाई दे रहा है ये जो भी रिटन है? ये तो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया. पीपल ऑफ इंडिया, ये सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? प्लीज टेल मी, बताइए थोड़ा मुझे. हेलो, ए देखा जाच्छे कि जाच्छे ना रे? ओके सर, ओके. The people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic. Point to be noted, sir. हाँ, संविधान हमें क्या बताते हैं, भारत जो देश है, या people of India, भारत का जो नागरिक है, भारत का जो लोग है, ठीक है, इनके लिए हमारा संविधान क्या बताते हैं, भारत कैसा देश है, ठीक है, ये कैसा देश है हमारा, ये देश कैसा है वो जान लो, ठीक है, जो हमारा देश आज, मतलब ये ब्रिटिश के जाने के बाद जो देश बना है, वो देश कैसा बनाने का संकल्प लिया गया है या फिर डिटर्मिनेशन लिया गया है, आप उसको थोड़ा समझो, ठीक है. द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. पॉइंट टू बी नोटेड, मैं आगे आगे इसका हर एक चीज का मतलब बताऊंगा, ठीक है, सोवरेन का डिटेल्स मतलब बताऊंगा, जरूरत पड़ने से सोवरेन की हिस्ट्री बताऊंगा, डेमोक्रेटिक का मतलब बताऊंगा, रिपब्लिक का भी मतलब बताऊंगा, एंड ऑल्सो टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, ठीक है, sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, मतलब justice सबको मिलेगा, social हो, economic हो, political हो, justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our constituent assembly,
this 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves these constitutions. 1949, 26th day of November, हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन मिला है गिफ्ट के तौर पे, ठीक है सर? क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है? सर ये एक प्रयास है, ये जस्ट एक मेरे हिसाब से एक प्रयास है, लेकिन अभी भी मेरे को लगता है कि हम लोग अपने संविधान को समझ नहीं पाए, ठीक है? मुझे लगता है, और मुझे क्यों, बहुत लोग वही लगेगा, अभी भी संविधान समझना, क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है संविधान क्या है, कैसे बना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं, स्कूल में भी पढ़ा नहीं जाता उस तरह से, स्कूल की सरकारी स्कूल की किताब में सामने, सरकारी अगर कोई भी स्कूल में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो, प्राइवेट स्कूल की किताब में भी होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशंस का ये जो डिटेल्स है ये लिखा रहता है, लेकिन कभी भी कोई टीचर है उसको उठा के पढ़ाता नहीं है। क्या पढ़ाया कभी आप लोगों को स्कूल टीचर? अगर पढ़ाया तो थैंक्स टू दोज टीचर्स। पढ़ाया कभी? हर एक किताब के सामने संविधान का ये जो मैं आपको बताया ये लिखा होता है बंगाली में, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे जैसे लैंग्वेज है लोकल एरिया का उस लैंग्वेज में ये लिखा रहता है। कभी पढ़ाया आपको? प्लीज टेल मी। यस सर। चलो वेरी गुड सर। मतलब कोई अगर स्कूल लेवल में ये बहुत ही कम लोगों को मैं देखता हूँ कि कभी वो वाला पेज, संविधान वाला पेज पढ़ा है, लेकिन अगर किसी ने भी पढ़ा है उस टाइम पे, अगर टीचर ने समझाया है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझाया है तो कोई बात नहीं, अब समझ लो, ठीक है? तो अगर मैं इसका एक एक मतलब आपको क्लैरिफिकेशंस दूँ तो आपको तभी जाके संविधान समझ में आएगा कि ये जो लिखा है ना, द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड ओनरशिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रैटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली this 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give ourselves these constitutions. अब इसका मतलब समझना होगा सर, ठीक है? चलो पढ़ लिए बहुत बार, लेकिन अब एक एक करके इसका मतलब पे ध्यान लगाते हैं, ठीक है? चलो एक एक चीज का मतलब देखेंगे। तो सर अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, इसका और एक नाम भी है, भारतीय संविधान, ठीक है? सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से ही नहीं जाना जाता, इसका दूसरा नाम है भारतीय संविधान। ओके, तो भारतीय संविधान इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, मतलब इससे बढ़कर कोई लॉ नहीं है भारत में। द डॉक्यूमेंट लेज डाउन द फ्रेमवर्क दैट डेमोक्रेट्स फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड, स्ट्रक्चर, प्रोसीडियर, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। सरकार कैसे चलेगा? सरकार मतलब कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं रे बाबा, सरकार मतलब जिस पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग चूज करते हैं हमारे, हमको चलाने के लिए, पब्लिक को चलाने के लिए, मतलब एक्चुअली वो हमारा, मतलब हम लोग देश का प्रजा जरूर है, बट यहाँ पर प्रजा ही सर्वे सर्वा है, मतलब सर्वे सर्वा समझते हो ना, सबसे ऊपर। ओके, मतलब डेमोक्रेसी है, तभी तो डेमोक्रेटिक कहा गया है, तभी तो रिपब्लिक कहा गया है, कि यहाँ पर जनता चूज करेगा कि नेता कैसा होगा। नेता का ये जो आजकल जो अलग सिचुएशन चल रहा है, हम लोग पॉलिटिकल लीडर्स को डरते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स के अगेंस्ट में बात नहीं कर पाते, प्रॉब्लम है सर, बात करो तो मुश्किल में आ जाते हैं, चाहे सेंट्रल लेवल में हो, स्टेट लेवल में हो, अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में ऐसे देखा जाता है, देश नहीं सॉरी, अलग हमारे देश में, स्टेट्स में देखा जाता है। इसका मतलब प्रॉपरली डेमोक्रेसी या रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट फॉलो शायद नहीं हो रहा है ना? जो भी हो, आगे आगे आपको और समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें कितना पावर देता है। देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट इज भारतीय संविधान इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, द डॉक्यूमेंट लेज डाउन द फ्रेमवर्क दैट डेमोक्रेट्स द फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड, स्ट्रक्चर, प्रोसीडियर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशंस एंड सेट्स आउट फंडामेंटल राइट्स। हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या होगा, ये आप लोगों के इंस्टीट्यूट वाले मैट में अगर जाओगे ना, फंडामेंटल राइट्स का बहुत सुंदर करके ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस भी मिलेगा आपको, ठीक है? मैं ये सब बताऊंगा धीरे धीरे, आगे आगे सब कुछ आऊंगा। राइट टू, जैसे आप अभी थोड़ा देख सकते हो, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, सबको एक नज़र से देखा जाए, ठीक है? ऑब्वियसली सबको एक ही नज़र से देखना चाहिए ना, भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी का भी अपीजमेंट नहीं होना चाहिए, एकदम
सही बात, किसी का भी अपीजमेंट नहीं होना चाहिए। अपीजमेंट मतलब समझते आप लोग, बंगाली में हम लोग इसको बोलते हैं तोषण करना, तोषण समझते हो? हाँ, तोषामोद, प्योर बंगाली में बोलते हैं तोषामोद करना। मतलब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, देश जब एक है तो किसी को अपीज क्यों करें? किसी को अपीज नहीं करते, सबका हक का लड़ाई ऑब्वियसली सबको लड़ना है। हक का लड़ाई अलग होता है, किसी को अपीज करना अलग होता है। और सिर्फ पॉलिटिकल फायदे के लिए कोई भी पार्टी करे, कोई भी पार्टी करे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा कुछ भी हो, चाहे वो बीजेपी का एजेंडा हो, कांग्रेस का एजेंडा हो, और टीएमसी का हो, सीपीआईएम का हो, किसी का भी एजेंडा हो। मैं इसलिए पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ क्योंकि राइट टू इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है। बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं वो देश चलाते हैं, और देश को चलाने के टाइम पे ये राइट टू इक्वालिटी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो अपीजमेंट करके वोट बैंक का जो राजनीति होता है ना, ये बहुत खतरनाक राजनीति, ऐसा राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर ये कैसे संभव है? सर ह्यूमैनिटी ये होना बहुत ज़रूरी है। सर ये तो संविधान में नहीं लिखा है? हाँ सर लिखा है, संविधान जो भी लिखा है ना ह्यूमैनिटी के कॉन्सेप्ट में ही लिखा है, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं मानव धर्म। अब लोग आगे आगे जितना डिटेल्स में संविधान को जानोगे समझोगे, आप समझोगे कि इसमें ह्यूमैनिटी को ही सबसे ऊपर रखा गया। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो धर्म महासभा में वक्तृता देने के लिए गया था, आप लोग जानते हो वो वाला कहानी? हाँ, एक्चुअली वो हिंदू रिलीजियन के रिप्रेजेंटेशंस के लिए ही गया था। यस, हिंदू रिलीजियस के रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से ही गया था, इसमें कोई हिंदुइज्म का प्रमोशन नहीं है बात। ये अलग अलग देशों से, हमारे देश से भी अलग अलग और भी लोग गए थे। वर्ल्ड इंटरनेशनल शिकागो रिलीजियस जो सभा बना था वो इंटरनेशनल था, उसमें स्वामी विवेकानंद भारत का, भारत मतलब हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में लोग जो धर्म या जिस बेसिस में जीते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ कोई हिंदुइज्म का बात नहीं चल रहा है। स्वामी विवेकानंद जो ह्यूमैनिटीज के बारे में बात किया था, ये लोग एक्चुअली गलत सोचते हैं, एक्चुअली लोगों को गलत समझाया गया है। मैं आपको आगे आगे समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। सेकुलरिज्म का मतलब भी समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है? एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है सर। सेकुलर को लेके काफी डिबेट है कि सेकुलर क्यों बोला, तो सेकुलर का एक्चुअल मतलब क्या होता है और लोग इसका क्या मतलब निकालते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो भी बोलूंगा एकदम रियलिटी के साथ बताऊंगा आपको, ठीक है? सो पॉइंट बी नोटेड। मैं अभी एक्चुअली आपको राइट टू इक्वलिटी के बारे में जैसे मैं थोड़ा सा बोल दिया, ये ह्यूमैनिटी शिकागो महासभा में जब स्वामी विवेकानंद बात कर रहा था वो राजनीति के लिए नहीं गया था, बट वो जो भी बात वहां पर कहा था उस बात का एक ही समरी निकल के आते हैं कि हम उस रेस से बिलोंग करते हैं। स्वामी विवेकानंद ऐसे बता रहे थे, अगर आप उसको इंग्लिश में बोले थे, हम उस रेस से बिलोंग करते हैं जो बहुत पुराना है, समरी ऐसा था, जो 5,000-10,000 साल पुराना रेस है, और ये जाति किसी धर्म के आधार पे नहीं, मानवता के आधार पे बना हुआ है, और सबको, पूरा दुनिया को ये अपना भाई या भातृत्व के हिसाब से देखता है, ठीक है? जिसको हमारे संविधान में फ्रैटर्निटी के हिसाब से बोला है कि हम लोग भातृत्व के हिसाब से रहेंगे। तो एक्चुअली वो हिंदू कॉन्सेप्ट या हिंदुस्तान का जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से हिंदुस्तान अपने आप को सालों से बनाया है, उसी को रिप्रेजेंट करने वहां पर गया था, और उसमें राइट टू इक्वालिटी इज द सेम सेंस ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब यहाँ पर बात बोलेंगे ज्यादा तो फिर ऐसा लगेगा आपको कि सर अब हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हैं। नहीं सर, कोई इज्म को प्रमोशन नहीं है, बट राइट टू इक्वालिटी में एक्चुअली ह्यूमैनिटी इज सबसे ऊपर, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, ह्यूमैनिटी से ऊपर कोई बात नहीं होना चाहिए। बुद्धिज्म हो, सिखिज्म हो, सबसे ऊपर राइट टू इक्वालिटी, ठीक है? मैं अभी फंडामेंटल राइट्स में अभी नहीं आऊंगा, ठीक है? क्योंकि ये एक अलग चर्चा हो जाएगा फिर। तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है? राइट अप टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, यस, आप अपने हिसाब से कोई भी धर्म चूज कर सकते हो जो आपको इंसान बनाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ ये बात भी ध्यान में रखिए, ठीक है? बिकॉज संविधान लोगों को ह्यूमैनिटी सिखाते हैं, और अगर आपको कोई भी धर्म आपको अगर इंसान बनाते हैं, ठीक है, तो वो धर्म अपना के आप अपनी जिंदगी को आगे बिता सकते हो, नो इशू विद दैट, ठीक है? ये हक भारत देता है, ये हक भारत का संविधान सबको देता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स सबको है, सब अपना अपना कल्चर और अपना अपना एजुकेशनल राइट्स ले सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, ये भी सबके अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडी भी सबके लिए है।
लेकिन फंडामेंटल राइट्स का मिसयूज करने से कुछ फंडामेंटल राइट्स आपसे छीन भी लिया जा सकता है, वो पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन के पास है, वो भी आपको आगे आगे मैं बताऊंगा, ठीक है? वेट सर, ठीक है, ये तो बस एक बता दिया आपको, आया था पॉइंट, धीरे धीरे सब बात करूंगा। तो जैसे कि आपको मैं बोल रहा था, पॉलिटिकल कोड, स्ट्रक्चर, प्रोसीडियर्स, पावर्स, ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशंस एंड सेट्स आउट फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। सर आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस और नो? ये सब अभी बेसिक बात कर रहा हूँ, अब धीरे धीरे गहराई में जाऊंगा, सेक्शन का बात करूंगा, आर्टिकल का बात करूंगा, लेकिन बेसिक चर्चा पहले है ना। प्लीज मुझे एक बार बताइए आप लोग समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। हाँ सर बोलो तो सही, हाँ ना कुछ तो। यस सर। यस सर, थैंक यू। तो आगे देखिए और भी क्या क्या पॉइंट आता है। अभी मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल समझाऊंगा आगे आगे। इट इम्पर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी। कॉन्स्टिट्यूशन हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी का बात करता है। सुपरमेसी मतलब पावर, ओके? मतलब किसका चलेगा, सिंपल बात है, किसका पावर चलेगा, किसका सुपरमेसी चलेगा। इट इम्पर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, पॉइंट टू बी नोटेड, नॉट पार्लियामेंटरी सुपरमेसी, पॉइंट टू बी नोटेड ना। भारत का संविधान में संविधान का सुपरमेसी है, पार्लियामेंटरी की सुपरमेसी नहीं दिया गया, सिंस इट वॉज क्रिएटेड बाई ए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का क्या मतलब होता है सर? बंगाली में ना कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को बेसिकली गौनो परिषद ऐसे कहा जाता है, मतलब बेसिकली जनता का चुना हुआ एक ऐसा परिषद जो संविधान को बनाया है, सिंपल, ओके? तो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली का पावर यहाँ पर काम करता है, ठीक है? मतलब सॉरी मैंने थोड़ा सा ही बोल दिया, पार्लियामेंटरी सुपरमेसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली के थ्रू से होता है, लेकिन हमारा संविधान में जो पावर है उस संविधान को ज्यादा पावर मिला है कंपेयर टू पार्लियामेंट्री। तो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी को ज्यादा जगह दिया गया है या पावर दिया गया। आगे आगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों यहाँ पर पार्लियामेंट्री सुपरमेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी में डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन को पहले रखा जाता है पार्लियामेंट्री के ऊपर, और पार्लियामेंट्री सुपरमेसी क्या है, वो बेसिकली जो हमारा पार्लियामेंट है, राज्यसभा, लोकसभा, जो भी हमारा पार्लियामेंट बनता है, आगे आगे बताऊंगा मैं आपको, कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली, ठीक है, उसको बात करता है। तो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी सिंस इट वाज क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली रादर देन पार्लियामेंट, ओके? तो ये इससे भी ज्यादा पावर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी पे जाते हैं। एंड वाज अडॉप्टेड बाय इट्स पीपल विद डिक्लेरेशन इन इट्स प्रीएम्बल, एंड पार्लियामेंट कैन नॉट ओवरराइड कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉइंट टू बी नोटेड, जो मैं आपको बोल रहा था, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को ओवरराइड नहीं कर सकता, पार्लियामेंट कैन नॉट ओवरराइड कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर जाके काम नहीं कर पाएगा, संविधान सर्वोपरि है। नाउ पॉइंट बी नोटेड, इट वॉज अडॉप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 26 नवंबर 1949, बिकम इफेक्टिव ऑन 26 जनवरी 1950। तो ये दोनों डेट याद रखिए, अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को और इफेक्टिव किया गया 26 जनवरी 1950 को। एंड दैट इज द रीजन हम लोग रिपब्लिक डे कब मनाते हैं, प्लीज टेल मी। 26 जनवरी है ना, इसके कारण मानते हैं। ऐसे तो ये अडॉप्ट कर दिया गया था 26 नवंबर को, लेकिन इसको इफेक्टिव किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो दैट इज द रीजन रिपब्लिक डे या प्रजातंत्र दिवस या गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी, ये रीजन है। नाउ पॉइंट इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। थोड़ा इतिहास में भी जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटिश पीरियड का बात है, एज द कंट्रीज फंडामेंटल गवर्निंग डॉक्यूमेंट। मतलब ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटिश हमें रूल करता था, है ना, ब्रिटिश हमें रूल करता था कंट्री का फंडामेंटल गवर्निंग डॉक्यूमेंट के थ्रू से, एंड द डोमिनियन ऑफ इंडिया जो आपको बताया बिकेम द रिपब्लिक ऑफ इंडिया टू इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोस्टिटी, ठीक है, ऑटोस्टनमी, ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है कि इंडिजिनसनेस, मतलब जो लोकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोशनी का मतलब होता है
कि इंडिजिनसनेस मतलब हमारे देश का जो लोग हैं उनको उनके तरह बनाया जाए, देश को देश के लोगों से बनाया जाए, ना कि कोई सादा चमड़ा वाला लोग फॉरेन से आके हमारे ऊपर रूल करे या जो भी करे। इसलिए ये ऑटोसनी ये वर्ड को यूज किया गया है, ये इंडिजिनसनेस या फिर लोकलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली। इट्स फ्रेमर्स रिप्लेस प्रायर एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट आर्टिकल 395। इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी ऑन रिपब्लिक डे, जो मैं आपको अभी अभी बताया। नाउ अब फिर से प्रीएम्बल को थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सोवरेन, कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत को एक सोवरेन स्टेट का नाम दिया, मतलब नाम नहीं दिया बेसिकली एक सोवरेन स्टेट की तरह ये काम करेगा। तो सोवरेन का मतलब क्या होता है देख लीजिए, सोवरेनिटी इज द डिफाइनिंग अथॉरिटी, पॉइंट टू बी नोटेड, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सोवरेनिटी, सोवरेनिटी इज द डिफाइनिंग अथॉरिटी विद एन इंडिविजुअल कंसर्नेस सोशल कॉन्स्ट्रैक्ट और टेरिटरी, सोवरेनिटी एंटेल्स हायरार्की विद इन द स्टेट एज वेल एज एक्सटर्नल ऑटोनॉमी ऑफ फॉर स्टेट्स, इन एनी स्टेट सोवरेनिटी इज असाइन टू द पर्सन बॉडी और इंस्टीट्यूशन दैट हैज अल्टीमेट अथॉरिटी। तो फिर मतलब क्या हो गया, भारत एक ऐसा देश बना जिसको पूरा अपने आप को मेंटेन करने का पूरा अधिकार हो। सोवरेनिटी मतलब बेसिकली गवर्नमेंट का जो कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट है, देश देश अपने आप को कंट्रोल कर सकता है अथॉरिटी के साथ, ठीक है। ये एक्चुअली सोवरेनिटी वर्ड को इसलिए यूज किया जाता है। अगर आप थोड़ा और सोवरेनिटी को जानना चाहते हो तो आप डिटेल्स में जाके सोवरेनिटी चेक करके पढ़ सकते हो। डोमेस्टिक सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंट सोवरेनिटी, इंटरनेशनल सोवरेनिटी, ठीक है, बहुत तरह का सोवरेनिटी का भी अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। अब इतना डिटेल्स में जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बेसिकली भारत एक सोवरेन कंट्री जिसको खुद का पावर, खुद को चलाने का क्षमता है, बिकॉज इससे पहले भारत डोमिनेशन में था ना, तो अथॉरिटी नहीं होता था भारत को, ये प्रॉब्लम था भारत के साथ, लेकिन वो प्रॉब्लम हटाया गया तो भारत एक सोवरेन कंट्री बन गया, ठीक है, स्वाधीन, सिंपल है ना, स्वाधीन देश बन गया। सोवरेन बना भारत, सोशलिस्ट भी बना भारत। अब ये सोशलिस्ट क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, जो लोग इकोनॉमिक्स क्लास आजकल फंडम फाउंडेशन लेवल में चल रहा है, ठीक है, वहां पर मैं उस दिन बोल रहा था कि दो तरह का इकोनॉमी बेसिकली समाज में देखने को मिलता है, बता सकते हो। एक इकोनॉमी सिस्टम जो है वो एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ है वर्ल्ड वाइड, ऐसे बेसिकली तीन, बट तीन नहीं है, दो है, एक मिक्स भी होता है। कौन मुझे बताएगा इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, कोई तो बताइए। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, हेलो, अरे ये जान पहचान का लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हाँ सर, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या है? तो यहाँ पर कैपिटलिज्म नहीं है सर, भारत को सोशलिस्ट के तरह ट्रीट किया गया है, ठीक है। तो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको पहले समझना है। सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट ये है, सोशलिज्म का मतलब होता है इज अ पॉलिटिकल फिलोसॉफी। सोशलिज्म है क्या है, पॉलिटिकल फिलोसॉफी है दैट सपोर्ट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विद इन अ सोशली ओन्ड इकोनॉमी। एक समाज को सबके लिए इकोनॉमी, समाज ओन करेगा, कोई इंडिविजुअल नहीं, जो चीज रहेगा आसपास में, मतलब चाहे जो भी चीजें, जो भी एसेट्स हो, जो भी बिजनेस हो, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट का एसेट्स हो, एवरीथिंग समाज ओन करेगा। ऐसे होता है, जो सड़क है, जो रोड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो समाज ही ओन करता है ना। तो सोशली ओन्ड इकोनॉमी विद अ पर्टिकुलर एम्फसिस ऑन इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशलिज्म का एक्चुअल मतलब ये है सर, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी फॉर ऑल। लेकिन इसका भी कुछ लूपहोल्स है, इसका भी कुछ नेगेटिव एरिया है। जैसे भारत में हुआ है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के नाम पे, नॉर्मली क्या होता है जब इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इसका एक नेगेटिविटी आपको बता रहा हूँ, भारत में जो हुआ है, नॉट जस्ट इन इंडिया, और भी कंट्रीज में ऐसे हुआ है, ठीक है, चाइना में हुआ है, रशिया में हुआ है, बहुत सारे देशों में हुआ है। प्रॉब्लम ये हो जाता है, नेगेटिविटी क्या है, पॉजिटिविटी बहुत चीज़ है। अगर सोशलिज्म को प्योरली कोई अप्लाई कर पाए तो इससे बढ़िया चीज़ हो नहीं सकता। लेकिन अगर इसका नेगेटिव साइड में अगर ये प्रॉपरली बन नहीं पाता तो मुश्किल बन जाता। मुश्किल क्या हो सकता है वही मैं बता रहा हूँ, जो हमारे देश के हुआ है। 47 में जब भारत को इंडिपेंडेंस मिला तो भारत एक सोशलिज्म की तरह ही बढ़ रहा था। सोशलिज्म में क्या होता है, ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कंट्री के पास जो कुछ भी रहेगा उसका ओनर गवर्नमेंट बनेगा। पॉइंट टू बी नोटेड सर,
गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ओनर का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट मतलब पब्लिक, सरकारी है मतलब सबका है। हाँ सर क्या बोलते हो? अगर कोई चीज सरकारी है मतलब सबका है, सबका मतलब जितना भी लोग भारत में रहते हैं। अगर आज के रेट में देखो तो 130 करोड़ का, अगर 47 का बात करूं तो 50 करोड़ लोग अगर उस टाइम पे भारत में थे तो सारा का सारा चीज है, जो भी भारत का संपत्ति है वो 50 करोड़ लोगों का संपत्ति है। जो भी भारत में बनेगा 50 करोड़ लोगों के लिए बनेगा। हाँ स्टेट टू स्टेट डिपेंड करेगा वो अलग बात, लेकिन एक ओवरऑल बात को समझो, सोशलिज्म में सबके लिए अधिकार मिलेगा, सबका अधिकार। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया बोले तो? प्रॉब्लम ये हो गया कि पॉलिटिकल फैमिलीज ही भारत चलाता था। एक दो तीन फैमिली मिलके, अगर एक फैमिली मिलके भारत को चलाता है, ये कोई सोशलिज्म नहीं हुआ, ये एक तरह का मतलब मोनार्की हो गया। ऐसे कोई राजा है, वो सारा संपत्ति है उनका और लोगों के पास कुछ नहीं, मतलब होके भी एक्चुअली लोग अपना हक का मांग कैसे करेगा? लोगों के अंदर वो एडुकेशन नहीं है, क्योंकि भारत 500 साल 700 साल में खत्म हो गया है, भारत का जो स्पाइनल कॉर्ड है खत्म हो गया था, तो इनको समझ ही नहीं था कि अपना हक कैसे मिले, अपने अधिकार के लिए लड़ाई कैसे लड़े। ये सब प्रॉब्लम था भारत का, अभी भी है स्टिल, ऐसा भी नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया। 70 साल हुआ है, काफी पीछे हैं हम लोग अभी भी, चाइना हमसे काफी आगे निकल गया। चाइना भी सोशलिज्म फॉलो करते हैं, लेकिन चाइना के लोगों के अंदर जो एडुकेशन सिस्टम है वो काफी बेहतर है, ठीक है, इसीलिए चाइना आगे निकल के आ गया एडुकेशन सिस्टम। रशिया वो भी बहुत आगे है, बिकॉज एडुकेशन सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबको अपना अधिकार पाने के लिए सबके अंदर वो अधिकार का सेंस होना चाहिए। आप ही बताओ ना, भारत में कितने लोगों को संविधान का ज्ञान हो जो सबको जानना चाहिए? आप ही बताओ, आपको पता है कि कितना लोग संविधान जानते हैं? मेरे हिसाब से 10% लोग भी संविधान को नहीं जानते प्रॉपरली। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये मेरा कॉमन परसेप्शन है, आई डोंट नो, रॉन्ग भी हो सकता हूँ मैं, जस्ट अ कॉमन परसेप्शन। मेरे को लगता है कि प्रॉपर वे में 10% लोग भी संविधान को नहीं जानते। हेलो बताइए सर, आप लोगों को क्या लगता है, 10% से ज्यादा लोग जानते हैं संविधान के बारे में? ही रहता था कि मैंने, हाँ बोल रोशनी ज्योति, वीडियो को मिस है तेरे को, तो वही प्रॉब्लम है, सोशलिज्म का प्रॉब्लम यही है कि अगर आपको आपका अधिकार का पता ही नहीं है तो फिर आप अधिकार मांगोगे कैसे, लड़ोगे कैसे अपने हक के लिए? तो कम से कम स्पाइनल कॉर्ड तो सीधा होना चाहिए कि भाई अपने मेरा अधिकार है, सब मेरा है। पब्लिक तो सोचता है कि सब पॉलिटिकल पार्टी का है, पब्लिक का ये प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज का है, जो भी सत्ता में है सब उनका है। और वो कौन चलाते हैं? कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज चलाते हैं। अगर कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज चलाएगा सरकार को और लगेगा कि सब कुछ उन्हीं का है, फिर हम लोग चुप ही रहेंगे, जो करेगा करेगा, झमेला में कौन जाएगा भाई? काइंड ऑफ एटीट्यूड हो गया अभी, मारपीट दंगा झमेला में कौन जाएगा? हाँ सही बात है, कौन अपना जान गवाएगा? कम से कम 70 साल में पॉलिटिक्स को तो एक क्रिस्टल क्लियर बना सकते थे, ये नहीं हो पाया। पॉलिटिक्स में गुंडागर्दी को तो हटा सकते थे, क्रिमिनल को कम से कम पॉलिटिक्स में जगह ना दे सकते थे, लेकिन इतना क्लैरिटी नहीं आया। मतलब सोशलिज्म हुआ नहीं, बोल तो दिया हाँ अधिकार भारत को मिला है, भारत सोवेरिन स्टेट बना है, ये बात तो है, उसमें भी डाउट है, ठीक है। तो सोवेरिन सोशलिस्ट का ये है एक्चुअल मतलब। अब एक्चुअल मतलब पे काम करना कितना एक्चुअल है वो तो आगे आगे आपको समझ में आ ही जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सेकुलर। नाउ व्हाट इज सेकुलर? सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अच्छा सेकुलर में मैं 2 मिनट बाद आता हूँ, एक बार मैं आपको डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक का बात कर दूं कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप लोग वोट देते हैं सबको ही? सबका वोटर कार्ड हो गया आई थिंक, शालिनी का शायद नहीं हुआ, शालिनी वोटर कार्ड नहीं हुआ ना? आप लोग वोट देते कि नहीं देते, प्लीज बोलिए। वोटर कार्ड हुआ, वोट देते हो? नो सर। नो सर, ठीक है, मैं समझ गया। डेमोक्रेसी, ये जो मतदान हम लोग करते हैं, वोट देते हैं, है ना, ये डेमोक्रेसी के कारण है। ए पर्सन कास्ट देयर वोट्स इन द सेकंड राउंड ऑफ 2007 फ्रेंच प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो भी हो डेमोक्रेसी का एक है।
तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री इसलिए है क्योंकि हमारा सरकार कौन रहेगा, हमारे प्रधानमंत्री कौन बनेगा, हमारा मुख्यमंत्री कौन, सीएम कौन बनेगा, ये डेमोक्रेटिकली पब्लिक के पास ही इसको चूज करने का ताकत है और इसीलिए भारत एक डेमोक्रेसी। समझ में आ रहा है संपद स्नेहेश बोल कि हम डेमोक्रेसी क्यों है? हाँ सर, है ना, हाँ सर। ये भारत का डेमोक्रेटिक होने का रीजन है। तो डेमोक्रेटिक के कारण ही, जैसे ये डेमोक्रेसी से याद आया, आप लोग हिटलर के साथ सुभाष चंद्र बोस का जो मीटिंग हुआ था जानते हो, भारत के आजादी के लिए सुभाष बोस मतलब नेताजी भारत को, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश और कांग्रेस क्या कर रहा था ब्रिटिश पीरियड में भगवान जाने, ठीक है, मतलब इन लोग खिचड़ी पका रहा था बेसिकली। हाँ, मेरे को खिचड़ी लगता है, मेरे को एक चीज बताओ, मैं आज तक मुझे समझ में नहीं आता, 60,000 ब्रिटिश और 30 करोड़ इंडियन, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, 60,000 ब्रिटिश 30 करोड़ इंडियन, 200 से ज्यादा टाइम भारत पे रूल कर रहा है कौन, ब्रिटिश। 1947 में भारत के आजादी के लिए जब लड़ाई चल रहा है तो मैं इसको खिचड़ी तो बोलूंगा, जब भारत को लगा कि भाई हमें आजाद होना है, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स भारत में आया जैसे कि गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष जी, हाँ सुभाष चंद्र बोस, ऐसे और भी है सावरकर, बहुत सारे नाम हैं, मैं नाम गिना के खत्म नहीं कर सकता, भगत सिंह, बहुत सारे नाम, बस एक एग्जाम्पल के तौर पर सोचो। तो मैं ब्रिटिश एंड कांग्रेस का खिचड़ी मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि चल क्या रहा था, ब्रिटिश के साथ क्या समझौता करना है भाई। ठीक है हम लोग ना समझते, 200 साल आपने राज कर दिया, अब छोड़ो भाई जाओ, हो गया, लेकिन क्या एडजस्टमेंट चल रहा था बेसिकली? मेरे को कभी कभी लगता है कि पावर शिफ्टिंग चल रहा था, जस्ट शिफ्टिंग ऑफ पावर, भाई ठीक है आप इतना दिन रूल किए, अब चले जाओ, आपके ही बात मान के मैं ही देश को चलाऊंगा, आपको भी कुछ बदले में माफ कर दूंगा। ऐसे ब्रिटिश को बहुत कुछ देना है भारत को, इतना दिन रूल किया, भारत का बहुत सारा लॉस था तो ब्रिटिश को बहुत सब्सिडी मतलब बेसिकली क्षतिपूर्ति करना था, लॉस को भरपाई करना था, तो जो भी हो मुझे लगता है कि वो भरपाई शायद उतना करने का जरूरत नहीं पड़ा, मे बी आई डोंट नो, बोलना मतलब फैक्ट मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन कहने का मतलब है कि सुभाष बोस जब इंडिया के अंदर से, गांधी जी और नेहरू के साथ सुभाष जी का यही प्रॉब्लम था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, कि गांधी और नेहरू इतना ज्यादा मतलब पॉलिटिकली क्या कर रहा था वो लोग जाने, लेकिन सुभाष बोस एकदम क्लियरली बोल रहे भाई हंगामा करो और भगाओ इनको, काम क्या है, आया था बिजनेस करने, रूल करना चालू कर दिया, डे बाई डे इनका रूल और बढ़ते जा रहा है, वर्ल्ड वॉर हो रहा है, भारत का लोग ब्रिटिश के लिए वर्ल्ड वॉर लड़ने जा रहे हैं, कोई अच्छा बात है क्या? अब भाई हम लोग अपने लिए जान देते हैं ना, अच्छा लगता है कि कम से कम भारत भारतीय भारत के लिए जान दे, भारतीय ब्रिटिश के लिए जान देगा और ब्रिटिश खुद भी उनका जान लेता है, जलियांवाला बाग, बहुत सारा और भी कहानी है। सो पॉइंट टू बी नोटेड यार, सुभाष बोस ऐसे सिचुएशंस में जब गांधी और नेहरू से उनका बन नहीं रहा था, हिटलर के पास गया था, हिटलर मतलब जर्मन का हिटलर, सर हिटलर के पास क्यों गया था, बिकॉज वो एंटी ब्रिटिश थे, ठीक है, अब उनके पास कोई उपाय नहीं था, ऐसे हिटलर बहुत अच्छा लोग नहीं थे, ठीक है, बट जर्मनी के हिटलर के पास इसलिए जाना पड़ा था, पहले सुभाष बोस रशिया का हेल्प मतलब मांग रहा था, बट रशिया ने उस टाइम पे प्रॉपरली कोई हेल्प नहीं कर पाया, सुभाष बोस भी एक सोशलिज्म कॉन्सेप्ट में ही कम्युनिस्ट थे, ठीक है, तो उन्होंने पहले रशिया ही जाने का बात किया, रशिया, लेकिन पता नहीं यूरोपियंस क्या करते हैं, कभी हाँ बोलता है, साथ देने का बात करता है, फिर गायब हो जाते हैं, लेकिन लास्ट में उनको जर्मनी जाना पड़ा क्योंकि सुभाष बोस को कैसे भी करके भारत को फ्री करना था, और वो भी जवाब देके, 200 साल जो राजत्व हुआ है ना ब्रिटिश का, उसका प्रॉपर एक जवाब देना है, ऐसा नहीं कि भाई तुम मेरे को कितना भी मारो और फिर मार के चले जाओ और मैं चुपचाप बैठूं, भाई देखो मार के चला गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो सुभाष बोस कोशिश कर रहा था अपने हिसाब से कि जब भारत के अंदर में बात नहीं बन रहा था, क्योंकि जो भारत के लोग थे, जो जॉब करते थे, सैलरीड पर्सन थे, सब ब्रिटिश का चमचा थे, और जो नेता थे वो ब्रिटिश के साथ अंडरस्टैंडिंग कर रहा था, तो सुभाष बोस को लग रहा था कि भाई इनके बीच में तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि सबको शांति पसंद है, लड़ाई किसी को पसंद नहीं है, मैं भी बोल रहा हूँ, बोलने में अच्छा लगता है, बट करने के टाइम पे सबका हवा टाइट हो जाता है,
लेकिन सुभाष बोस ऐसे नहीं थे, तभी तो ग्रेट माना जाता है। सुभाष बोस का मानना था कि भाई भारत को आजादी देना है और हमें जवाब देके देना है। तो जर्मनी में हिटलर के पास जब वो गया था ब्रिटिश के अगेंस्ट में हेल्प मांगने के लिए, लेकिन जर्मन से हेल्प नहीं, ब्रिटिश के पास, ब्रिटिश के लिए लड़ने के लिए भारत का जो सिपाही, बेसिकली जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन के पास कैद हो गया था, सुभाष बोस का मानना था कि भाई हमें इनको दे दो जो भारतीय हैं, मैं इनको लेके भारत को आजाद करने के लिए निकलूंगा। तो हिटलर ने तब सुभाष बोस को पूछा था, आप इतना सब इसलिए करना चाहते हो कि आप भारत का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो, क्योंकि जर्मनी तो हिटलर का एक तरह का मोनार्की चलता था उनका, है ना, आप लोग समझ में ना, हिटलर का सुपरमेसी था, वहां पर कोई डेमोक्रेसी नहीं था जर्मनी में उस टाइम। तो सुभाष तो हिटलर को भी लगा था कि सुभाष बोस भी जर्मन हिटलर की तरह ही कुछ करेगा, मतलब भारत में आके रूल करेगा भारत को, लेकिन सुभाष बोस कोई रूल करने वाले में से नहीं थे, वो कम्युनिस्ट थे बट डेमोक्रेसी थे उनके अंदर, सोशलिज्म थे। तो सुभाष बोस ने जवाब दिया था, आज भी वो सब चिट्ठी डॉक्यूमेंट्स अगर आप नेताजी भवन में जाओगे या फिर सरकारी, अगर आजकल तो विक्टोरिया में भी ये सब चिट्ठी बाहर निकाला गया है, विक्टोरिया मेमोरियल में जाके भी आपको मिलेगा। तो सुभाष बोस एकदम क्लियरली बोला था कि नहीं नहीं मैं क्यों प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, प्राइम मिनिस्टर वो बनेगा, हाँ मैं उम्मीदवार जरूर बनूंगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर वो बनेगा जिसको भारत का लोग डेमोक्रेटिकली चूज करेगा। सो ऐसे होते हैं कॉन्सेप्ट कि भारत को डेमोक्रेटिक क्यों कहा गया, समझ में आ रहा है आप लोगों को, प्लीज टेल मी। बहुत सारा कहानी है ये सब चीजों पे, जितना जानोगे ऐसा लगेगा कि कम पड़ जा रहा है, लेकिन क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो भारत सोवरिन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर के बारे में मैं बोलूंगा, रुक जाओ, सेकुलर को लेके बहुत बात होता है आजकल। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब डेमोक्रेटिक का मतलब तो आप लोगों को समझ में आ गया कि व्हाट इज एक्चुअली डेमोक्रेसी, कि भारत में जो लोग हैं उनके पास ही सारा पावर है, वो अपने हिसाब से किसको प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, किसको चीफ मिनिस्टर बनाएगा, चूज कर लेगा, जिनको ज्यादा वोट मिलेगा करेगा। अब वोट में भी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का जोर चलेगा, इसमें पब्लिक ही बोका है, जैसे चलता है रिगिंग वगैरह, वो अलग बात, मैं उस कॉन्सेप्ट में बात नहीं करूंगा। रिपब्लिक सर, देन व्हाट इज रिपब्लिक, है ना, प्रजातांत्रिक क्यों है, रिपब्लिक का मतलब है ना प्रजातांत्रिक या गणतांत्रिक। डेमोक्रेसी में आप वोट देते हो, रिपब्लिक में आप क्या करते हो। रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच सुप्रीम पावर इज हेल्ड बाय द पीपल, वही मैं बोल रहा था, उसमें आप वोट दे रहे हो डेमोक्रेसी के कारण, वोट दे के आप चूज कर रहे हो आपके सरकार को, आपके चीफ मिनिस्टर को, आपके प्राइम मिनिस्टर को। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिपब्लिक यहां पर। रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच सुप्रीम पावर इज हेल्ड बाय द पीपल एंड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। पब्लिक के पास ही सबसे ज्यादा पावर है और पब्लिक जिसको चुना, मतलब एमपी एमएलए, एमपी एमएलए का पावर तब आता है जब पब्लिक उनको पावर देता है। एमपी एमएलए कोई खास कोई नहीं है, खास तो पब्लिक है, बट ये उल्टा हो गया आजकल, हम लोग काउंसिलर को, पंचायत प्रधान को, एमपी को, एमएलए को खास बना दिया और पब्लिक अपने आप को छोटा समझ लिया। हाँ, एक हिंदी में बहुत अच्छा एक फोक सॉन्ग है, हाँ राम महापात्र नहीं सॉरी, बहुत फेमस एक, आप लोग सुने हो, कौन मदारी यहाँ कौन जमूरा, सुना है किसी ने, बहुत ही फेमस लिरिसिस्ट और म्यूजिक डायरेक्टर है, मैं नाम भूल जा रहा हूँ, बट बहुत अच्छा लगता है मुझे, कौन मदारी यहाँ कौन जमूरा, पूरा लिरिक्स मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी, बट क्या अगर आप लोग सुने हो तो सुनना, मतलब इसी को बोला है, मतलब जो पॉइंट में मैं बात कर रहा हूँ कि भारत रिपब्लिक है, रिपब्लिक के कारण सुप्रीम पावर पीपल के पास में है और उन्होंने जिनको इलेक्टेड करेगा रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से, तो पावर तो पीपल से रिप्रेजेंटेटिव पे जाता है, तो फिर स्पेशल कौन हुआ, पब्लिक हुआ, लेकिन पब्लिक में यूनिटी नहीं है, तभी तो एमपी एमएलए इतना मिसयूज करते हैं पावर का। जो भी हो, गलती है ये भारत का, ये हमारा गलत है। इन रिपब्लिक द कंट्री इज कंसिडर्ड अ पब्लिक मैटर, नॉट द प्राइवेट कंसर्न और प्रॉपर्टी ऑफ द रूलर्स। रिपब्लिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक पब्लिक मैटर है, तभी ये रिपब्लिक है, नॉट द प्राइवेट कंसर्न और प्रॉपर्टी ऑफ द रूलर्स। द प्राइमरी पोजिशन ऑफ पावर विद द रिपब्लिक आर अटेंड थ्रू द डेमोक्रेसी और अ मिक्स ऑफ डेमोक्रेसी
with oligarchy or autocracy rather than being unalterably occupied by any given family lineage or group. Point to be noted. आपको समझ में आ रहा है? मतलब मैं डायरेक्ट नाम ले सकता हूं, कांग्रेस जिस तरह से लीडरशिप इशू को लेके किया है, अगर राहुल गांधी पे दम नहीं है, अगर राहुल गांधी पे दम नहीं है तो फिर आप किसी और को क्यों नहीं लीडर बनाते जो फैमिली से बाहर हो, नेहरू फैमिली से बाहर हो? एक्चुअली दे आर नॉट गांधी फैमिली. हाँ सर, आप लोग जानते हो गांधी फैमिली का कहानी. दे आर नॉट गांधी फैमिली, दे एक्चुअली यूज द सरनेम ऑफ गांधी. मतलब मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी इनका बात कर रहा हूँ. दे जस्ट यूज द सरनेम ऑफ गांधी, दे आर नॉट गांधी. लेकिन ये सब सत्ता के ऊपर डिपेंड करके है. एक्चुअल कहानी तो कुछ और है. एक्चुअल कहानी है इंदिरा गांधी के साथ जिनका शादी हुआ था, वो मुसलमान था, और बेसिकली इसको लेके इनका सरनेम क्या होगा, इसको लेके भारत में क्या बनेगा, एक वोट का प्रॉब्लम था तो गांधी का सरनेम यूज कर लिया. तो इसके लेके अलग अलग कॉन्स्पिरेसी है, वो सब मैं अभी बात नहीं करूँगा. लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड सर, मैं यहाँ पर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि रिपब्लिक का मतलब किसी फैमिली या लीनियज को आप इस तरह से पावर नहीं दे सकते. पब्लिक का है, सब पब्लिक का है. पब्लिक के अंदर से लीडर बाहर निकल के आएगा, वो चूज करेगा. मतलब पब्लिक चूज करेगा कौन लीडर बनेगा, जैसे कि आज के डेट में हम लोग वोट देते हैं और होता भी है. लेकिन जैसे कांग्रेस में ये प्रॉब्लम रहा है रिसेंटली, आजकल बात चल रहा था, मैं सुन रहा था कांग्रेस, क्योंकि इतना ज्यादा कांग्रेस का सिचुएशन डे बाई डे डिटोरिएट हो रहा है, तो अब वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सोच रहे हैं कि लीडरशिप में कुछ करेंगे. अब देखो क्या करते हैं, इतना पुराना पार्टी है भारत का, कुछ तो सोचना चाहिए, है ना. एक स्ट्रांग ऑपोजिशन बनना चाहिए, ना कि एक लीडरशिप मैटर को भी ये लोग सॉल्व नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली मैटर बना के रख देते हैं. सो कुछ तो सोचना चाहिए. तो सर, आई होप कि आप लोगों को सोवेरिन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक का मतलब समझ में आया. प्लीज बताइए, कोई डाउट हो तो ये सब पॉइंट भी मुझे बताइए. सबको क्लियर है? ज्योति, रोशनी, तथा, अभिषेक, संपद, मिसेस बनर्जी, बोझा जाच्छे? है बुझे जी. आरेकबार बोलले भालो हय. आरेकबार बोलले भालो हय. अच्छा, मैं आरेकबार समरी करे दिच्छि. नो इशू. कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया सोवरेन. दैट मींस इंडिया एक सुप्रीम पावर, एक इंडिपेंडेंट कंट्री. ओके, भारत एक स्वाधीन देश, निजेर अथॉरिटी, निजेर पावर काज करबे. दैट इज इन सिंपल. सोशलिस्ट इन द सेंस सामाजिक, सबके लिए सब कुछ है. मतलब इन सिंपल कहा जाए तो सोशलिस्ट का मतलब है जो भी हमारे देश के अंदर है इसका पूरा का पूरा अधिकार सबके अंदर है, सभी पब्लिक का है. जो भी एसेट्स है, जो भी संपत्ति है, सब सोशल पावर के थ्रू से, मतलब इकोनॉमिकली सबको इक्वल मौका मिलेगा. ये मेनली सोशलिज्म का मतलब होता है. ठीक है, इसीलिए भारत को जब कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया, सबको इक्वल अधिकार देने का बात किया, जो एक्चुअली सोशलिज्म सबको इक्वल हर चीज देने का बात करता है. आपको हर चीज इक्वल राइट देगा, आपको इक्वल एजुकेशन देगा, इक्वल इकोनॉमी. देखो थोड़ा बहुत इधर उधर तो होगा, कोई रिच होगा, कोई थोड़ा सा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा. मतलब एक बहुत गरीब, एक बहुत रिच, ऐसा बहुत कम देखने को मिले. ठीक है, मतलब दे जस्ट ट्राई. सोशलिज्म हमेशा यही कोशिश करता है कि जो इनइक्वालिटीज है इनकम में, इनकम में भी इनइक्वालिटीज ना रहे. मतलब एक सिमिलर लेवल ऑफ इनकम ग्रुप के लोग हो सोसाइटी में, ये सोशलिज्म प्रमोट करता है. डेमोक्रेसी का मतलब है कि आप अपने कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिकली चूज कर सकते हो कि कौन सरकार में होगा, और पब्लिक वोट देके अपना इलेक्शन फॉर्मेशन के माध्यम से चूज करेगा हु विल बी द प्रीमियर ऑफ योर कंट्री, हु विल बी द प्रीमियर ऑफ योर स्टेट. ये चूज करेगा. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल हैव द अथॉरिटी टू डिलीबरेट एंड डिसाइड लेजिस्लेशन और टू चूज गवर्निंग ऑफिशियल टू डू सो हु इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द पीपल. कौन पीपल का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, इसका वोट देके जो बाद बनेगा. जैसे कि मैं आपको हिटलर और नेताजी का कहानी इसलिए बोला कि जब हिटलर ने नेताजी को पूछा था कि आप, मैं आपको हेल्प करूंगा भारत को आजाद करने के लिए, तो क्या आप भारत का रूलर बनेंगे? तो नेताजी डायरेक्ट बोलता, नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू रूल माय कंट्री.
मैं अपने कंट्री में डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाऊंगा जिसमें भारत का पब्लिक डेमोक्रेटिकली चूज करेगा कि कौन उनका प्रीमियर बनेगा, कौन उनका प्रीमियर बनेगा, कौन उनका प्रधान बनेगा. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी. एंड रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि पावर जो है वो पब्लिक के हाथ में. पावर रिपब्लिक ही है. पावर का मतलब है कि पब्लिक के हाथ में पावर है और पब्लिक जिसको चूज करेगा, जैसे कि एमपी एमएलए को हम लोग चूज करते हैं या पंचायत लेवल में प्रधान को चूज करते हैं, जिसको हम चूज करते हैं पब्लिक के मेंबर के हिसाब से, उनके पास पावर पब्लिक शिफ्ट करते हैं. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक. आई होप क्लियर. नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट. एक कॉन्सेप्ट था जो सेकुलर कॉन्सेप्ट था. एक्चुअली ये सेकुलर वर्ड 49 में जब भारत बना था, मतलब भारत का संविधान बना था, तब ये सेकुलर शब्द नहीं था भारत संविधान में. पॉइंट टू बी नोटेड. ये सेकुलर वर्ड बाद में अमेंड किया गया, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा साइड रखा था. नॉट जस्ट सेकुलर, सोशलिस्ट वर्ड भी बाद में जोड़ा. सोशलिस्ट एंड सेकुलर ये दो वर्ड बाद में आया. पहले भारत एक सोवियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हुआ करता था. सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लेटर स्टेज में अमेंड किया गया. द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर एडेड टू द प्रीएम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976 ड्यूरिंग द इमरजेंसी. पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सोशलिस्ट एंड सेकुलर ये जो दोनों वर्ड है, ये दोनों वर्ड 1976 में 42nd अमेंडमेंट के टाइम पे प्रीएम्बल में जोड़ा गया. क्यों और इसका मतलब क्या है? सोशलिस्ट का मतलब तो मैं आपको बता दूं, लेकिन सेकुलर का क्या मतलब होता है? चलो मैं थोड़ा सेकुलर का ये वर्ड क्या है और सेकुलरिज्म को लेके, ऐसे हम लोग बंगाली में क्या बोलते हैं, धर्म निरपेक्ष, हाँ, या फिर धर्मो निरपेक्षो, ऐसे बोलते हैं ना, कि मैं सेकुलर हूँ. इसका मतलब क्या है? नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि सेकुलर का मतलब हो गया धर्मो निरपेक्षो, मतलब मुझे किसी भी धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर मैं धर्म का पालन नहीं करता. धर्मनिरपेक्षों का मतलब क्या है? लोग क्या सोचते हैं, क्या है, मैं सेकुलर पर्सन. जब कोई बोलते हैं कि मैं सेकुलर हूं तो वो एक्चुअली क्या बात करते हैं? आप लोगों को क्या लगता है, जब कोई बोलता है कि आई एम सेकुलर तो एक्चुअली वो क्या मीन करना चाहता है? प्लीज टेल मी, जो भी आप लोगों को फीलिंग होता है बोलिए ना. इसमें कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करना है, हम लोग तो क्लास में जस्ट डिस्कस कर रहे हैं. वी डोंट वॉन्ट टू क्रिएट एनी कॉन्ट्रोवर्सी. जब कोई बोलते कि मैं सेकुलर हूं तो एक्चुअली वो क्या मीन करता है, बोलो ना, जिसको जो भी समझ में आता है बोलो. माने तार काछे कोनो धर्मटा कोनो ब्यापार ना, माने जे हिंदू मुसलमान ख्रिस्टान विभेदे माने से काज करो, माने कराटाई होच्छे तार आसल उद्देश्य. थैंक यू. मतलब बेसिकली कोई किसी भी धर्म का हो, दैट इज नॉट अ बिग फैक्ट हियर. फैक्ट इज दैट कि इंसान के लिए काम करना है. अगेन वही बात है, ह्यूमैनिटी सामने आ रहा है. ह्यूमैनिटी सामने आ रहा है. तो क्या सेकुलर का मतलब क्या ह्यूमैनिटीज है? बिकॉज ये लॉ में वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ लोग सेकुलर का एक अलग मतलब निकाल लिया. करेंट सोसाइटी में अगर आप देखोगे ना, ह्यूमैनिटीज खत्म है. जैसे कि अभी मिसेस बैनर्जी ने जो बताया, इसमें भेदभाव, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, उसके ऊपर जाके काम करने का बात किया. मतलब आप ह्यूमैनिटीज देखो, आप ह्यूमैनिज्म देखो, इसमें कोई जाति धर्म ना देखो आप, ठीक है, कौन किस समाज से है, ऊंच नीच मत देखो आप सेकुलर हो का मतलब ये है. लेकिन अगर आप देखोगे सेकुलर के नाम पे आजकल क्या चल रहा है, सेकुलर के नाम पे अगर आप देखोगे कि लोग धर्म क्या है वही नहीं समझना चाहता. लोग एक्चुअली मिस इंटरप्रेट किया यहाँ पर. सेकुलर के खुद को सेकुलर बोलने के बाद वो बोलते कि मैं धर्म नहीं मानता, मतलब एक तरह का उनका ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया, नहीं ठीक है यार सेकुलर है, क्या ये सब बेकार है, पुराना कॉन्सेप्ट है, ऐसा हो गया. लेकिन एक्चुअली सेकुलर का ये मतलब नहीं है. लोग आजकल अपने जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज है, जो भी उसका अपना अपना, हिंदू का हिंदू के जैसा, मुसलमान का मुसलमान के जैसा, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन के जैसा, अगर आप यूरोपियन समाज को देखोगे वो लोग काफ़ी ज़्यादा अपने धर्म को मानते हैं. अगर आप इस्लामिक समाज को देखोगे, अगर आप जहाँ पर ज़्यादा इस्लामिक प्रभाव है, वो बहुत ज़्यादा अपने धर्म को मानते हैं, जो भी उनका सिस्टम है. लेकिन भारत एक सेकुलर का नाम देके भारत के लोग सोचते कि भाई मेरा जो धर्म है ये सब बेकार है, जो हमारा पुराना धर्म ग्रंथ है, जैसे कि अगर मैं गीता वेद वेदांत का बात करूँ, तो ये सब का नॉलेज लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग सेकुलर हैं.
ऐसा हो गया क्या, मैं गलत बोला? आप देखिएगा, सेकुलर हो गया इसका मतलब निकाल के खुद हमारे देश का जो अपना रूल्स रेगुलेशन है, जो हमारे देश का नियम है, जो हमारे देश का धर्मीय सिस्टम है, इसको हम लोग आजकल इग्नोर कर दिए समाज में। ना तो स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। इवन योगा जैसे एक इतना सुंदर फिजिकल एक्टिविटी को भी धर्म के नाम पे इग्नोर कर दिया गया है। Am I right or wrong? आप ही बताइए ना। सेकुलर का मतलब ये तो नहीं ना कि हम लोग अपना शिक्षा को धर्म के साथ जोड़ के उसको इग्नोर कर देंगे। पूरा दुनिया योगा को अपना रहा है। कल तो ईरान में योगा का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, देयर इन मुस्लिम कंट्री। तो ऐसा नहीं है, अपने धर्म को जानना, अपने जड़ों को जानना, अपने रूट को जानना, ये सेकुलरिज्म से अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन लोग इसका गलत मतलब निकाल दिया। मैं आपको दिखाता हूँ सेकुलरिटी के बारे में। एक्चुअली ये सेकुलर वर्ड एक्चुअली हमारे इंडियन कल्चर में नहीं है। इंडियन कल्चर में एक्चुअली मैं जो ओरिजिनली वही बता रहा हूँ कि इंडिया में ऐसा कोई धर्मो निरपेक्षो, ये जो वर्ड ये हम लोग यूज करते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं था। निरपेक्षता बोल के कोई चीज नहीं था। अगर ऐसा होता ना, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, आपको मैं प्रमाण के साथ बात करूंगा। अगर भारतीय किसी दूसरे जाति या धर्म को नापसंद करता, नापसंद मतलब हेट करता, तो फिर भारत में कोई दूसरा जाति का लोग आके हमारे ऊपर रूल ना करता। अगर हम ब्रिटिश सादा चमड़े का है, उनका धर्म को लेके बात करते, मुसलमान या इस्लामिक कंट्री जो उससे पहले हमारे यहाँ पर मुगल जो भी आए हैं, पहले वो लोग ट्रेड करने आया है, कोई हमें यहाँ पर लड़ने के लिए आए हैं, लेकिन हम उनको सभी को एक जैसे कॉन्सेप्ट है ना हमारे देश में, वासुदेव कुटुंबकम अतिथि देव भव, तो हम सबको ना बहुत प्यार से एक्सेप्ट करते हैं। यस, वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजियन। स्वामी विवेकानंद भी ये वर्ड चिकागो में बोला है, वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजियन। ये हिंदुस्तान का, भारत का एक कल्चर है, वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजियन। बट देयर इज अ बिग क्वेश्चन, क्या अदर रिलीजियन भी हमें एक्सेप्ट करते हैं? हम जैसे हैं, क्या हमारा ये कॉन्सेप्ट को वो एक्सेप्ट करते हैं? देयर इज अ बिग क्वेश्चन। अगर ऐसा होता तो कन्वर्जन ना होता। इतना सारा लोग इतने सालों से भारत का पूरा रिलीजियस स्ट्रक्चर को बदल दिया गया। इवन रिलीजियस कॉन्सेप्ट के नाम पे भारत के कल्चर को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, भारत को भी अलग कर दिया गया, भारत का दो हिस्सा को अलग कर दिया गया पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम पे। पॉइंट बी नोटेड, भारतीय कभी ऐसे नहीं है। सेकुलरिज्म के नाम पे कॉन्सेप्ट को गलत समझा जा रहा। मैं ये पॉइंट आपके सामने इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मिसकॉन्सेप्ट होना अच्छा बात नहीं है। ये हमारा देश है ना, बांग्लादेशी बंगाली बोलते हैं, इनका कल्चर इनका कॉन्सेप्ट भारतीय का है। आज ये अलग देश बना है जस्ट बिकॉज ऑफ भेदभाव के कारण। पाकिस्तान इंदास वैली है, सिंध सभ्यता एक्चुअल भारत है। आज ये भारत से अलग है, एक अलग नाम से एक इस्लामिक नेशन बना है। बांग्लादेश एक इस्लामिक नेशन बना, ये हार्डकोर ट्रूथ है, इसको इग्नोर क्यों करें? कश्मीर काश्यप ऋषि का देश है, दैट इज द रीजन नेम इज कश्मीर। भारत का जितना स्पिरिचुअल प्लेसेस है या जितना सारा हमारा मतलब मान्यता है भारत का, मैं हिंदू का बात नहीं कर रहा हूँ, भारत का बात कर रहा हूँ, सारे के सारे टेम्पल्स कॉन्सेप्ट सब आपको कश्मीर में मिलेगा, एवरीथिंग। लेकिन जस्ट बिकॉज इतिहास में कुछ कन्वर्जन हुआ है, वहाँ का डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट बदल गया है, इसलिए भारत को अलग करने का नाम हो रहा है, कश्मीर को अलग करने का नाम चल रहा है इंटरनेशनल लेवल में कि ये इस्लामिक एरिया बन गया है, अब इसको यहाँ से अलग कर दो। ये इस्लामिक एरिया बन गया है, इसको भारत से अलग कर दो। ये इस्लामिक एरिया बन गया है, इसको भारत से अलग कर दो। फिर हैदराबाद को भारत से अलग कर दो, कल वेस्ट बंगाल को भारत से अलग कर दो, सर भारत कहाँ रहेगा फिर? आपके सामने ठोस प्रमाण है, तो फिर भारत कहाँ रहेगा? काट कूट के खत्म कर देंगे क्या? पॉइंट बी नोटेड, सेकुलर का मतलब ये नहीं कि अपने चीजों को भूलना।
भेदभाव का मतलब ये नहीं कि हम इंसानियत को भूल जाए, लेकिन किसी एक लैंग्वेज को संविधान में डाल के अगर उसका मिसकॉन्सेप्शन यूज किया जाए और कोई अपना रूट को भूलना चाहे, इसमें बहुत बड़ा खतरा है और खतरा आपके सामने दिख रहा है। ये 47 में अलग हुआ है, ये 71 में अलग हुआ है। ऐसे एक्चुअली पहले 47 में अलग हो चुका था, फिर सेकेंड टर्म अलग हुआ है 71 में। ये हमसे काट गया है, पाकिस्तान हड़प के रखा है ये पूरा एरिया। इतना सा कश्मीर सिर्फ भारत के अंदर है, ये चाइना हड़प के रखा है वो पॉलिटिकल रीजन में, मतलब बेसिकली उनका जो इन्वेजन कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ एक अलग हुआ, यहाँ एक अलग हुआ, ये अच्छा बात नहीं है ना। मतलब इस तरह से आप देश को टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते। प्लीज पॉइंट बी नोटेड। मेरे को जब भी ये बोलता हूँ ना, मेरा आई डोंट नो आप लोगों के दिल में क्या हो रहा है, मेरा दिल सीरियसली ऐसा लगता है कि कोई तोड़ दिया। मैं 47 में जन्मा नहीं, बट जब जब मैं देखता हूँ कि भारत टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है ना, ये बहुत खराब लगता है। मतलब ये चीज समझना चाहिए, संविधान में सेकुलर वर्ड आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे देश को सिर्फ एक वर्ड के चक्कर में टुकड़े टुकड़े कर दें। ये मेरा कहना इसलिए है क्योंकि सेकुलरिटी को लेके क्या कॉन्सेप्ट है वो देखो आप। सेकुलरिटी ऑल्सो द सेकुलर और सेकुलरनेस, ये लैटिन फ्रेज है, पॉइंट टू बी नोटेड। वर्ल्डली ऑफ ए जनरेशन, सर ये क्या मतलब होता है सेकुलर का? वर्ल्डली ऑफ ए जनरेशन इज द स्टेट ऑफ बींग अनरिलेटेड ऑफ और न्यूट्रल इन रिगर्ड्स टू रिलीजियन और इररिलीजियन। Anything that does not have an explicit reference to religion, either negativity or positivity, may be considered secular. ठीक है, ये current definition है secularism का। The process in which things become secular or more so is named secularizations. And any concept or ideology promoting the secular may be termed secularism. Any concept or ideology promoting the secular may be termed secularism. Now, इस definitions के बारे में कहाँ इसका पहला सूत्र मिला है? Basically, Bible में मिला है, Testament में मिला है, Old Testament में. Historically, the word secular was not related to link to religion. Secular word actually religion से जुड़ा हुआ कभी नहीं था, but was freestanding term in Latin which would relate to any mundane endeavor. However, the terms secular, secularum, Latin phrase है, being the genitive plural or seculum as found in New Testament in the Vulgate translation, मतलब बाइबल का पुराना जो वर्जन है, original Koine Greek phrase Galatians was used in early Christian church. Actually, ये word पहले Christian church में पुराने जमाने में use होता था, आज भी use होता है in the doxologies to denote the coming and going of the ages. Secular को क्या बताते हैं सुनो, church to denote the coming and going of the ages, मतलब जो एज चला गया और जो एज आ रहा है, मतलब समय जो चला गया समय जो आ रहा है। द ग्रांट ऑफ इटर्नल लाइफ, इटर्नल इटर्निटी मतलब हम लोग जिसको परमात्मा बोलते हैं हिंदुइज्म में, आत्मा परमात्मा इटर्नल, मतलब एक्चुअली हम लोग मरते नहीं है, है ना सर, हम लोग इटर्नल हो जाते हैं, परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, पंचभूत में विलीन हो जाते हैं, जो हमारा भारतीय कॉन्सेप्ट है। तो ग्रांट ऑफ इटर्नल लाइफ एंड द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ created things from their beginning to forever and ever, कुछ भी खत्म नहीं होता दुनिया में, सब कुछ इसी दुनिया के अंदर है, सिर्फ शरीर जाते हैं, आत्मा रह जाते हैं, आत्मा हमेशा है और आत्मा परमात्मा में विलीन होते हैं मुक्ति के मार्ग से, मुक्ति समझते हो ना। ये सब हमारा जो भारत का कॉन्सेप्ट है उसमें बात कर रहा हूँ। सेकुलर एंड सेकुलरिटी डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेकुलम विच मीन्ट ऑफ ए जनरेशन बिलोंगिंग टू एन एज or denoted a period about 100 years. The Christian doctrine that God exists outside time, भगवान समय के परे हैं, late medieval Western culture to use secular to indicate separation from specifically religious affairs and involvement in temporal ones. मतलब actually regular religious affairs के बाहर है, मतलब God exists outside time. आप भगवान को मानो या ना मानो, जैसे हमारे भारत के अंदर भी दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक साकार सकारात्मक और एक निराकार। आप लोग जानते हो साकार निराकार,
मतलब एक में हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं और एक हिंदुइज्म में एक फॉलोअर्स है जो सिर्फ ओम मानते हैं, या फिर ओम एक्चुअली एक सिंबॉलिक है, वो किसी मूर्ति में बिलीव नहीं करते, वो निराकार ब्रह्म मानते हैं, निराकार ब्रह्म। समझते हैं आप लोग? जैसे कुछ है ब्रह्म समाज के बारे में आप लोग सुने होंगे, भारत में ऐसी बहुत सारी स्पिरिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस है जहाँ पर किसी मूर्ति को नहीं, एक्चुअली एक सुपर, ये जो मूर्ति पूजा है ये साधारण के लिए है, जो एक्चुअल में मतलब भगवान या स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं वो मूर्ति के बाहर चले जाते हैं। दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ मूर्ति लाइक गॉडेस, शिवा का कोई लिंग नहीं चाहिए उनको, माँ दुर्गा का कोई प्रतीक भी नहीं चाहिए, माँ काली भी नहीं चाहिए। दे कैन फील द पावर ऑफ दिस एंटायर कॉस्मिक वर्ल्ड, उसको फील कर लेते हैं। उसको फील करने का जो तरीका है दैट इज निराकार ब्रह्म। अब आकार ब्रह्म जो है मतलब जिसमें हम लोग मूर्ति मानते हैं, वो बेसिकली जो आम आदमी के लिए, बिकॉज आम आदमी के अंदर इतना समय नहीं है, उनके लिए मूर्ति है। भाई दुर्गा माँ शक्ति का प्रतीक है, आप दुर्गा माँ को देख लो, 10 हाथ है इनका, शक्ति है इनका, शिव भगवान का क्रिएटर ऑफ दी है, डिस्ट्रॉयर है। तो ये प्रतीक या सिंबल हमारे लिए आम आदमी के लिए, लेकिन जो बियॉन्ड दैट सोच सकते हैं उनके लिए आकार नहीं, निराकार ब्रह्म काम करते हैं। दैट इज द फिलोसॉफी ऑफ वेदांता। अगर आप लोग कभी वेदांत पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, वेद या वेदांत का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली निराकार ब्रह्म में बना हुआ है। तो एक्चुअली सेकुलरिज्म कॉन्सेप्ट इन दिनों पुराने चार्चों में इसी कॉन्सेप्ट में बना होता था। सेकुलर डज नॉट नेसेसरीली इंप्लाई हॉसिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ गॉड, जो आजकल लोगों के अंदर मतलब स्पेशली यूथ में बहुत ज्यादा हो गया, और रिलीजियन, दो सम यूज द टर्म इन दिस वे, बट कोई कोई ऐसे करते हैं। ओके, तो ये कुछ सेकुलरिज्म के बारे में मैंने आपके साथ बातचीत किया, क्योंकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशंस में भारत को एक सेकुलर कंट्री कहा गया है। सेकुलर कंट्री का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम अपने धर्म को भूल के, मतलब अपने चीजों को ना जान के सेकुलर सेकुलर चल रहा है, नहीं। स्कूल में कॉलेज में हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम पढ़ाना चाहिए, हमें गीता का ज्ञान, हमें योगा का ज्ञान, हमें अपना भारत का ज्ञान। मैं यहाँ पर किसी हिंदुइज्म को प्रमोट करने नहीं बोल रहा हूँ, जो इस भूमि का है। अरे भाई अमेरिका में उसका ज्ञान बांटते हैं लोग, अमेरिका नेचर का, दुबई में लोग दुबई जैसा दुबई का कॉन्सेप्ट बताते हैं, जापान में लोग जापानी शिक्षा लेते हैं, वो भी भारत से ही लेके, गौतम बुद्धा जापानीज को यहाँ से जाके ही अपना शिक्षा लेके जापानी सिस्टम पर उनको बनाया। तो फिर भारत अपने सिस्टम में क्यों नहीं बन सकता? इसका मतलब ये नहीं कि हम इस्लाम को, क्रिश्चियन को, बुद्धिज्म को, सिखिज्म को इग्नोर थोड़ी ना करना है, लेकिन सबका एक मेलजुल रह के सबको अपनी अपनी चीजों का पढ़ने का अधिकार भी देना पड़े। ऐसा नहीं कि आप सेकुलरिज्म के नाम पे अपना नियम निष्ठा को भूलने के लिए रेडी हो जाओगे। आपने देखा ना, सेकुलर का मतलब इग्नोरेंस ऑफ रिलीजन नहीं है, लेकिन जो हो रहा है कि हम लोग रिलीजियस से बाहर जा रहे हैं तो ह्यूमैनिटीज भी गायब हो रहा। आजकल देखिएगा कि ऐसे होता है कि क्योंकि आजकल लोगों के अंदर धर्म नहीं होता ना, तो लोग बड़े को सम्मान करना भूल गया है, ठीक है, बड़े बुजुर्ग के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए भूल गया है, जो हमारे घर से संस्कार का बात होता है, संस्कारी बच्चा आजकल नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि संस्कार धर्म का पार्ट है जो हमें घर में मिलता है, चाहे कोई भी समाज हो, मुस्लिम समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो, हिंदू समाज हो, वो धर्म है। धर्म का मतलब कोई रिलीजियस लड़ाई नहीं है। सो ये कुछ मिसकंसेप्शन है, इसको थोड़ा सा समझ को सोचना चाहिए सोसाइटी को। प्लीज टेल मी, जो भी है मैंने एज पर डेफिनेशन बोला आपको, समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज टेल मी। मैं मानता हूँ कि थोड़ा डिटेल्स में बोल रहा हूँ, लेकिन क्या करे, संविधान क्या है, किस लिए बना है, समझना तो चाहिए। बोलिए प्लीज। सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्लियर है हर एक पॉइंट? समझ में आ रहा है? बताइए। স্যার এই প্রত্যেকটার বাংলা মানে গুলো একটু বলবেন স্যার। বাংলাতে সোভেরিনের মানে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্স্যাক্ট বাংলা গুলো তো মনে পড়ছে না সবকিছু। সোশ্যালিস্টের বাংলা হচ্ছে সমাজবাদ, সমাজতান্ত্রিক স্যার, সমাজতন্ত্র। হ্যাঁ, সোভেরিনের বাংলা কি হবে? তথা সার্বভৌমত্ব, সার্বভৌম। হ্যাঁ, ভেরি গুড। সোভেরিনের মানে হচ্ছে সার্বভৌম
সোশ্যালিস্টের মানে হচ্ছে সমাজতন্ত্র, সেকুলার মানে ধর্মনিরপেক্ষ, তাই তো? ডেমোক্রেটিক এর মানে গণতান্ত্রিক, না গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক, হ্যাঁ গণতন্ত্র। আর রিপাবলিক মানে প্রজাতন্ত্রিক, প্রজাতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র। ঠিক আছে, মেনে নিয়েছি। হুম হুম। एस्योर्स। अच्छा, तो फिर ये सारा का सारा जो नियम है, ऐसे तो है चार वर्ड्स, बट मैंने आपका चार वर्ड्स के लिए एक घंटा ले लिया। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एश्योर्स इट्स सिटीजन जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी एंड इंडिविजुअल्स टू प्रोमोट फैटर्निटी। फैटर्निटी का मतलब क्या होता है? भातृत्व, है ना? ठीक बोले सीधे बांग्लाटा, फैटर्निटी मैंने সবাই মিলেমিশে থাকাটাকেই তো বলবো, নাকি? ফ্যাটারনিটি। কাজী নজরুল ইসলাম কা এক বহুত ফেমাস এক কবিতা হ্যায় না, মোরা একই বৃন্তে দুইটি কুসুম, হিন্দু মুসলমান, মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তাহার প্রাণ। ইটস লাইক ফ্যাটারনিটি, ঠিক আছে। দ্য অরিজিনাল 1950 কনস্টিটিউশন ইজ প্রিজার্ভড ইন এ হিলিয়াম ফিল্ড কেস। হিলিয়াম কেউ বলে জানতে হো? हीलियम, हीलियम एक ऐसा केमिस्ट्री में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका ना कोई कलर होता है, ना कोई गंध होता है, ना सुगंध ना दुर्गंध, ठीक है? मतलब भारत को एक कलरलेस ऑर्डरलेस बनाओ, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हीलियम, ठीक है? हीलियम इज ए केमिकल एलिमेंट विद अ सिंबल ही एंड एटॉमिक नंबर, इट इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस टेस्टलेस। मतलब भारत का जो संविधान बनाया गया इसको एक कलरलेस टेस्टलेस ऑर्डरलेस बनाया गया। पाकिस्तान उल्टा है, पाकिस्तान को पहले ही झंडा दे दिया, ठीक है, इस्लामिक झंडा, ठीक है, इस्लामिक रिपब्लिक नाम ही दे दिया उन लोगों ने, इस्लामिक पाकिस्तान ऐसा ही नाम दिया, बनाते ही चालू हो गया। मतलब बेसिकली मतलब दुनिया भर में किस तरह से भेदभाव क्रिएट किया जाए, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान दुनिया भर में चालू कर दिया। सो ये कॉन्सेप्ट में जैसे ही जो भी कंट्री बनता जाएगा दुनिया भर में प्रॉब्लम फैलता जाएगा। आज हमारा जो भी प्रॉब्लम है, कश्मीर इशू जो है, ये मेनली क्या है? पाकिस्तान का प्रॉब्लम। बांग्लादेश का जो चीरहरण किया है, जिस तरह से पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश को खत्म किया है, ये अगर भारत का ह्यूमैनिटीज है कि बांग्लादेश आज आज़ाद है, लेकिन बांग्लादेश ये बात कितना मानता है या समझता है, आई डोंट नो, मतलब कितना वो समझना चाहते हैं। सीरियसली अगर भारत ना होता तो बांग्लादेश का आज क्या हालत करता? ये अंतर्जातीय लैंग्वेज डे 21 फरवरी क्यों मनाते हैं आप लोग जानते हैं? इसका फंडामेंटल राइट्स जो बांग्लादेश से छीन लिया गया था, दे आर बंगाली, एकदम हार्डकोर बंगाली, दिल से बंगाली, खाने से बंगाली, उठने से बंगाली, हर चीज से बंगाली है ये। लेकिन जब पाकिस्तान बांग्लादेश को लिया, एक्चुअली ये ईस्ट पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान का ये वेस्टर्न पाकिस्तान और ये ईस्ट पाकिस्तान, ये कैसा पार्टीशन है? ये कैसा पार्टीशन है? आई डोंट नो। मेरे को कभी कभी हंसी आता है, कभी कभी गुस्सा आता है। जो भी हो, इतिहास का गलती है, बट आज भी भुगतना पड़ रहा है। बांग्लादेशी को बंगाल, मतलब बांग्लादेश क्यों स्टार्टिंग में हाँ बोला था? जस्ट धर्म के बेसिस पे। ये बांग्लादेश का गलती है कि आप धर्म के बेसिस पे अलग हो गए। बहुत अच्छा किया भाई, अलग हो गए, लेकिन अलग होने के बाद फिर पाकिस्तानी ने बोला कि भाई हर चीज में वेस्टर्न पाकिस्तान का कल्चर को बांग्लादेश में चलाना पड़ेगा, और इनको जबरदस्ती उर्दू बोलवाया जाता था, जबरदस्ती। आप लोग जानते हो ना 21 फरवरी का रीजन क्या? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंटरनेशनल मदर टंग डे? द मेन रीजन इज दैट कि पाकिस्तानियों का बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन ओवर बांग्लादेशीज ऑन देयर मदर टंग, against their mother tongue, basically. बांग्लादेशी को बांग्ला बोलने से रोकता था। वो अगर बोलता था टाका तो बोलता था टाका नहीं, बोलो रुपया, मतलब जो उर्दू में भी रुपया बोला जाता, रुपया बोला जाता। सो पॉइंट इज दैट कि और इसके कारण लोगों को मार पीट क्या नहीं किया। अब इस तरह से अगर कोई समाज टूटता जाएगा, मुश्किल बढ़ता जाएगा। आज कश्मीर के साथ भी यही हालत है। मतलब
जहां जहां मौका दोगे ना, लूटने के लिए रेडी है दुनिया में, कुछ ऐसे एक कॉन्सेप्ट है। अब इनसे बचना है तो अपने रूट से जुड़े रहो, बिकॉज जो कंट्री, जो ट्री अपने रूट से जितना लूज रहेगा, वो ट्री उखाड़ने में दो वक्त भी समय नहीं लगेगा। तो प्लीज भारत को मेरा एक ही कहना है कि अपने रूट से जुड़े रहो, इतना भी लिबरल मत बनो कि अपना रूट उखड़ जाए, और रूट उखड़ जाएगा तो फिर ऐसे टुकड़े होने के लिए रेडी रहो, ठीक है? फिर बोलना, फिर भारत कुछ नहीं रहेगा, बस अपना अपना स्टेट लेके रहे ना, फिर कुछ दिन बाद चाइना आके बोलेगा। ऐसे नेपाल भूटान को लेने में तो चाइना का 2 मिनट लगेगा, इधर भारत है बोल के भूटान नेपाल अपना जगह में है, फिर चाइना नेपाल भूटान को ले लेगा, फिर भारत भी चाइना के अंदर चला जाएगा, बिकॉज हम लोग तो यूनाइटेड है नहीं, और लिबरल के नाम पे एक गलत फहमी पैदा करके रखे। रूट भूल के लिबरल होने का कोई मतलब, जो प्रॉब्लम भारत में चल रहा है। आगे बढ़े सर, चलो मैं आपको एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ जो इतिहास में हुआ है और फिर से हो रहा, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको जबरदस्ती नहीं समझा रहा हूँ, जो सिचुएशन दिख रहा है मैं वही आपको समझा। ओके, तो भारत में लोग जस्टिस मिले लोगों को, सबको इक्वल जस्टिस, पेनल्टी इक्वलिटी लिबर्टी एंड एंडेवर्स ऑफ प्रमोट फ्रेटर्निटी। द ओरिजिनल 1950 कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिजर्व्ड इन ए हीलियम फील्ड केस ऑफ द पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली। द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट वेर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑन 42nd अमेंडमेंट 1976 ड्यूरिंग इमरजेंसी। अभी इमरजेंसी का क्या टाइम था? इमरजेंसी बोलते इंदिरा गांधी सामने आता है, क्योंकि उन्होंने ही इमरजेंसी लगाया था। और उस दिनों का जो प्रेसिडेंट थे हमारे देश में, फखरुद्दीन अली अहमद। 21st month period 1975 से 1977, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्स अक्रॉस द कंट्री ऑफिशियली इशूड बाय प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद, बिकॉज प्रेसिडेंट को ही ऑफिशियल डिक्लेरेशन देना पड़ता है अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग इंटरनल disturbances, the emergency was in effect from 25th June 1975 until its withdrawal on 21st March 1977. अब emergency का कहानी आप लोग बाद में जान लीजिएगा, लेकिन इतना जान लो कि एक internal disturbances भारत के अंदर civil war जैसा situations बना था, ठीक है? बहुत सारा problem चारों पूरा भारत में फैल रहा था, ठीक है? Because government खुद को control करने से नहीं, मतलब control नहीं कर पा रहा था, government controlling totally छूट गया था, इसके कारण emergency का situation create हुआ था। अपीजमेंट का कारण भी था, बहुत सारा रीजन था, एक रीजन नहीं है इमरजेंसी का। उसी दौरान में भारत को सेकुलर और सोशलिस्ट के नाम पे, मतलब प्रीएम्बल पे रखा गया। ओके, चलो और भी कुछ बातें। इन 1928 कॉन्स्टिट्यूशंस का थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कन्वेंड अ कमिटी इन लखनऊ टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली 1928 में भारत के कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने के लिए ये पूरा कार्रवाई चालू हुआ था कांग्रेस के आगुबाई में। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कन्वेंड द कमिटी इन लखनऊ व्हिच वाज नोन एज नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द कॉलोनियल इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल फ्रॉम 1857 टू 1947, फ्रॉम 1947 टू 1950 द सेम लेजिस्लेशन कंटिन्यूड टू बी इम्प्लीमेंटेड एज इंडिया वॉज ए डोमिनियन ऑफ ब्रिटेन फॉर दीज 3 years, मतलब 47 टू 50, एज ईच प्रिंसली स्टेट वॉज कन्विंस्ड बाई सरदार पटेल। जो भी प्रिंसली स्टेट था, देखो सर, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए मुझे आपको भारत का इतिहास अच्छे से समझाना पड़ेगा। भारत में बहुत सारा प्रिंसली स्टेट थे उस टाइम पे, मतलब एक्चुअली ब्रिटिश पीरियड में प्रिंसली, एक्चुअली भारत पहले प्रिंसली हुआ करता था, अलग अलग राजा अलग अलग राज्य को चलाता था, ठीक है? हाँ, कई बार ऐसे हुए हैं अच्छा अच्छा जब सेशन भारत में रहा है, जैसे अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ऐसे कुछ फेमस फेमस किंग के ड्यूरेशंस में चाणक्य के टाइम पे भारत कंप्लीट नेशन की तरह बनता था, और उस टाइम पे भी अलग अलग राजा राज्यों में राजा हुआ करता था, लेकिन एक सुप्रीम डोमिनेशन भी किसी का चाहिए था, बिकॉज एक्सटर्नल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे जब अलेक्जेंडर भारत में अटैक किया था तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के टाइम पे ही मेनली ये चीज़ हुआ था। तो उन दिनों अशोका एंड चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य अशोका का दादाजी थे, तो इन दोनों लीडरशिप लेके भारत को, तब भारत मतलब इतना बड़ा भारत, फ्रॉम अफगानिस्तान से भारत था, ठीक है, तब ये भारत मतलब इतना बड़ा भारत। जब अलेक्जेंडर ईरान क्रॉस करके अफगानिस्तान घुस रहा था, एक्चुअली तब का भारत वर्ष, ठीक है, तो उन दिनों भी भारत एक सिंगल कंट्रोल में था, वन इंडिया कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो वो अशोका और चंद्रगुप्त के टाइम पे भी हुआ करता।
सर मैं वन इंडिया कॉन्सेप्ट क्यों बोल रहा हूँ फिर से, बिकॉज द न्यू मॉडर्न इंडिया है, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम तो सुने ही होंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसीलिए बनाया गया, इस इंसान को जानना चाहिए आप लोगों को। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में बनाया है सर, गुजरात गवर्नमेंट ने बनाया, कभी जाइए तो जरूर ये जगह घूम के आइए, ठीक है। अभी ये मत बोलिए कि इतना खर्चा करने का क्या जरूरत था, कुछ खर्चा जरूरी होता है, बिकॉज अगर आप अपने इतिहास को अपने इंसान को नहीं जानोगे तो शायद आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे हम लोग घर पे अपने दादाजी का मूर्ति या ठाकुर दादा का मूर्ति क्यों रखते हैं, नाना जी दादाजी का मूर्ति क्यों रखते हैं, बिकॉज ये हमें याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं, हम कौन थे और हम क्या बन सकते हैं। एग्जैक्टली मॉडर्न डे में इनका स्टैचू जरूरी है, बिकॉज ये भारत का है तो इनका एक फोटो होने से तो नहीं बनेगा ना, पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत लोग बात करते हैं कि इतना खर्चा करके पटेल का स्टैचू बनाने का क्या जरूरत था, तो फिर आप अपने घर पे खर्चा करके क्यों फोटो बनवाते हो, क्यों आप मंदिर या समाधि बनाते हो अपने घर में कोई कोई बुजुर्ग का मौत के बाद, क्यों करते हो, मत करो, फिर खर्चा करना बंद कर दो, श्राद्ध कार्य बंद कर दो, समाधि करना बंद कर दो, मंदिर करना बंद कर दो, क्यों करते हैं, बिकॉज ये हमें याद दिलाते हैं हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हम किसके लिए हैं, दैट इज रेस्पेक्ट टू आवर एंसेस्टर। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को रेस्पेक्ट जरूर मिलना चाहिए, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए बट अभी तक नहीं मिला है। सरदार पटेल ने जब भारत टुकड़ा टुकड़ा हो रहा था ब्रिटिश के कारण और कुछ इस्लामिक फोर्स, मतलब क्या बोलूँ इसको, मतलब इस्लाम को गलती कर गलत ठहराना अच्छा नहीं होगा, मतलब कुछ सो कॉल्ड इस्लामिक सोच के लोग जो भारत को तोड़ने में लगा था, जिन्ना का फॉलोअर्स, ऐसे हालात में जो भारत को बांध के रखा, आज का जो भारत का मैप है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैन आज का पार्लियामेंट, आज का जो कुछ भी है, इसका एक क्रेडिट, बहुत बड़ा क्रेडिट इनको जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसलिए आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। साबरमती, ये गुजरात में इस, आई थिंक ये नर्मदा है कि साबरमती है, नदी का नाम नर्मदा है क्या, आई थिंक नर्मदा, आई डोंट नो एग्जैक्टली, भूल गया, नर्मदा हो सकता है, सरदार सरोवर डैम के पास बना हुआ, ठीक है। तो जो बात मैं आपको कर रहा था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत को प्रिंसली स्टेट जो भी भारत का था ना, वो लोग कोई बोल रहा था कि मैं अलग नहीं होऊंगा, जैसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किया था हैदराबाद, निजाम नाम तो सुने होंगे, इधर निजाम प्रॉब्लम किया था, या गुजरात में जूनागढ़ बोल के एक जगह है, वो भी ये पाकिस्तान मांगा था, बोला था जूनागढ़ दे दो हमें, ठीक है, बोला था हैदराबाद दे दो हमें, हैदराबाद पाकिस्तान के साथ मिलके काम करना चाह रहा था, मतलब यहाँ पर एक बांग्लादेश बना है, ठीक है, यहाँ पर एक और एक बांग्लादेश टाइप का बनता, यहाँ पर जूनागढ़ अलग हो जाता, यहाँ पर कश्मीर को लेके प्रॉब्लम था, लेकिन कश्मीर का राजा भारत का पार्ट बनना चाह रहा था, ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो राजा थे, ठीक है, वो कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाना चाहता था, एक्चुअली वो जरूरी था, भारत जब बन रहा है, गोवा का एक प्रॉब्लम था, सिक्किम का प्रॉब्लम था, ठीक है, बाद में सिक्किम को इंटर सिक्किम हुआ है, इधर गोवा में भी प्रॉब्लम था, गोवा पुर्तगीज के अंडर में था, तो वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम, ये तो मैं बस कुछ एक दो तीन चार देखा, यहाँ इसके बीच बीच में, भारत के बीच बीच में बहुत सारा, ग्वालियर, ठीक है, मैसूरु, ठीक है, इधर आपका नॉर्थ ईस्टर्न में आओगे तो यहाँ पर भी कुछ किंग थे, ठीक है, इधर सेंट्रल एरिया में भी, झांसी वगैरह में भी कुछ किंग थे, सो भारत में बहुत सारा छोटा छोटा प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, जो ब्रिटिश के साथ थे, कोई पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, तो ऐसा करने से तो मुश्किल, फिर भारत तो एकदम काट कूट के बराबर हो जाता, ऐसा भारत कौन चाहेगा, एक तो ऑलरेडी टुकड़ा कर दिया जात के नाम पे, धर्म के नाम पे टुकड़ा कर ही दिया था, फिर भी भारत का ये जो मैप आज बना हुआ है, इसको बचाने में सरदार पटेल का एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है सर, जो मैप आज हम लोग ड्रॉ करते हैं, बहुत बड़ा क्रेडिट। सो एक्चुअली यही रीजन है कि कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने में पटेल और नेहरू जी तो कांग्रेस के थे ही, उनको तो करना ही पड़ता, लेकिन सरदार पटेल ने, कश्मीर का जो प्रॉब्लम आज भी रहा है ना, ये एक्चुअली नेहरू जी ने सॉल्व नहीं कर पाया,
कश्मीर को लेके जो प्रॉब्लम है, पटेल बोला था, सरदार पटेल बोला था कि मेरे को दो मैं कश्मीर प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन नहीं करने दिया नेहरू ने। नेहरू बोला क्योंकि नेहरू खुद कश्मीरी पंडित है, आपको बता दूं, शायद आप लोगों को जानकारी नहीं है, नेहरू जी खुद कश्मीरी पंडित है। तो नेहरू जी बोला था कि मैं पंडित हूं, मैं देख लूंगा कश्मीर को, पर ऐसा देखा कि कश्मीरी हाथ से चला गया था पाकिस्तानियों के हाथ में, ऐसा देखा। जो भी हो, गलती होता है इंसान से, बट ऐसा गलती होने से पूरा समाज देश को इतना दिन तक भुगतना पड़ी है, बहुत मुश्किल है। तो जो भी हो, देखो मोस्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल 1857, 1947, 1950, द सेम लेजिस्लेशन कंटिन्यू टू बी इंप्लीमेंटेड एज इंडिया वाज अ डोमिनियन ऑफ ब्रिटेन फॉर दिस थ्री इयर्स, एज ईच प्रिंसली स्टेट वाज कन्विंस्ड बाय सरदार पटेल एंड वी पी मेनन टू साइन द आर्टिकल ऑफ इंटीग्रेशन, सब मान गया था विद इंडिया, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। यस, ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को एक्सटर्नल सिक्योरिटी दे रहा था इन 47 से 1950 तक। दस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिपील द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को रिपील किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भी रिप्लेस किया, एंड 26 जनवरी 1950 को इंडिया सीज टू बी अ डोमिनियन ऑफ ब्रिटिश क्राउन एंड बिकम अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394, मतलब जब फॉर्म हुआ था तब जो जो आर्टिकल का नाम आपको मैं बताया ये सब आर्टिकल था, और उसके बाद धीरे धीरे 1950s के बाद और भी आर्टिकल आता गया। इससे पहले भारत में जो लेजिस्लेशन हुआ करता था, the constitution was drawn from number of sources, mindful of India's needs and conditions, jo bhi dekha gaya bharat ke zaruraton ko, bharat ke logon ke zarurat ko dekh ke B.R. Ambedkar ne isko form kiya, aap log jante hi ho. It frames borrowed and features previous legislation, jaise ki kuch purane legislation bharat ka jo tha usko bhi diya gaya isko constitutions ko banane ke time pe, government of india act 1858, indian council act 1861 1892 1909, Government of India Act 1919 1935, Indian Independence Act 1947, the latter which led to creation of India and Pakistan. ये Independence Act ही है जो बाद में पाकिस्तान को भी अलग किया, और just because of religious dividations divided the former Constituent Assembly in two. The Amendment Act of 1935 is also a very important step for making the constitutions for two new bond countries. Each new assembly had sovereign power to draft and enact a new constitutions for the separate states. Lekin Pakistan ka matlab to kuch aur hi tha jinna ka, theek hai, jo aaj ka Pakistan ka situation aap dekh rahe ho, aur aaj bhi Bharat ke piche jo problem create karke rakha internationally, uska bhi reason Pakistan khud hi hai. Aaj China ka jo itna hamare piche lagne ka wajah tha na, ye bhi Pakistan ke liye hi hai. Nahi banne dena chahiye tha jinna ko country, galat kar diya samjhota karke. आज अगर पाकिस्तान ना बनता तो इधर चाइना एक कॉरिडोर बना रहा है, बना लिया, ठीक है, हमारे ही कश्मीर के ऊपर से। उसके लिए चाइना ये जगह, ये पूरा का पूरा कश्मीर का पार्ट चाहता है। कौन? चाइना। किसके हेल्प से? पाकिस्तान के हेल्प से। आज पीओके ये हमारे पास नहीं है बिकॉज ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान, और चाइना सुपर पावर है, पाकिस्तान हमारा एनिमी है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजियस डिसबिलीफ। नहीं बनने देना चाहिए था, मुश्किल हो गया सर, गलती है, गलती। सुभाष बोस को पावर में लाता ना, ऐसा कभी ना होता। गांधी को सोचना चाहिए था कि हम किसके हाथ में पावर दे रहे हैं, गलत किया सर, ये बहुत बड़ा गलती। बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो क्या? जो भी बोला मैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही बोल रहा हूँ। एनी क्वेश्चन सर, प्लीज टेल मी। अरे बताइए, संविधान का इतिहास भूगोल चल रहा है। हेलो, ना सर, कोनो क्वेश्चन नहीं। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली व्हिच वाज इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द प्रोविजनल असेंबलीज। 389 मेंबर्स असेंबली रिड्यूस्ड टू 299 आफ्टर पार्टीशन।
पार्टीशन के बाद 299 हो गया, पार्टीशन से पहले 389 था. टुक ऑलमोस्ट 3 इयर्स टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन होल्डिंग 11 सेशन ओवर 165 डे पीरियड. संविधान को बनाने में 165 दिन लगा, 3 साल. ठीक है, ऑलमोस्ट 3 इयर्स टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन होल्डिंग 11 सेशन, मतलब 165 दिन का सेशन लगा इसको पूरा एक करने. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज अ वाइज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट. ही हैड स्टडीड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अबाउट 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन रीड करके, स्टडी करके, रीड नहीं सिर्फ स्टडी करके उन्होंने भारत का संविधान को बनाया. अम्बेडकर इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड असेंबली अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी टीटी कृष्णमाचारी सेड. उन्होंने क्या बताया देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये इमेज देख रहे हैं आप, बाबा साहेब अम्बेडकर चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी प्रेजेंटिंग द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ऑन 25 नवंबर 1949. इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. मिस्टर प्रेसिडेंट सर, मतलब ये कौन बोल रहे हैं, टीटी कृष्णमाचारी बोल रहे हैं. मिस्टर प्रेसिडेंट सर, आई एम वन ऑफ दोज इन द हाउस हु हैव लिसनड टू डियर डॉक्टर अम्बेडकर वेरी केयरफुली. I am aware of the amount of work and enthusiasm and he has brought to bear on the work of drafting this constitution. Desh kaise chalega, ye kaam koi aasan kaam nahi tha. At the same time, I do realize that the amount of alteration that was necessary for the purpose of drafting a constitution is so important to us, as this movement has not been given it to by drafting committee. The house is perhaps aware that of the 7 members nominated by you, one had resigned from the house and was replaced, one died and was not replaced, one was away in America and his place was not filled up, and another person was engaged in the state affairs, and there was a void to that extent. One or two people were far away from Delhi and perhaps reasons of health and did not permit them to attend. So it happened ultimately that the burden of the drafting of this constitution fell on Dr. Ambedkar, and I have no doubt that we are grateful to him for having achieved this task in a manner which is undoubtedly commendable. So basically, बहुत ही कम सहयोगी के साथ छोड़ के अम्बेडकर को ऑलमोस्ट अकेला ही इसको बनाना पड़ा. इसके ऊपर एक मूवी है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, और सरदार पटेल के ऊपर भी है, और YouTube में मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा, मस्ट वॉच सर. कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने का टाइमलाइन क्या है देख लो. 6 दिसंबर 1946 फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड असेंबली. असेंबली फॉर्म हुआ 1946 6 दिसंबर को. 9 दिसंबर 1946 द फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस. द फर्स्ट पर्सन टू एड्रेस दिस जे बी कृपालिनी सच्चिदानंद सिन्हा बिकेम द टेम्पोररी प्रेसिडेंट डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट. द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द मीटिंग. मुस्लिम लीग मतलब जात पात उनके मन में था ही, अब समझ रहे हो ना, इनको इनको एक कंट्री नहीं चाहिए था, इनको बस अपना सत्ता चाहिए था. और अलग अलग कंट्री लेने के बाद भी, आज तो अलग कंट्री ले लिया, हाँ आज तो इतना बड़ा कंट्री लेके रखा है मुस्लिम लीग, हाँ फिर भी शांति नहीं है, फिर भी चाहिए. और सिर्फ ये नहीं, ये भी लिया था. तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मानसिकता क्या है, शांति या युद्ध, समझ लो. ये कभी नहीं चुप होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ. और ये जो आतंकवाद है भारत के अंदर, इनका एक्चुअल कॉन्सेप्ट यही है. ये आतंकवाद का मेन जड़ तब से है, और ये जो आतंकवाद के कारण हमारा खर्चा डिफेंस में दिन दिन बढ़ते जा रहा है, यही रीजन. और अगर देश के अंदर कोई इसको साथ देता है ना, ये बहुत दुख का बात है सर, बहुत दुख का बात है. कोई भी दे. 11 दिसंबर 1946 द असेंबली अपॉइंटेड राजेंद्र प्रसाद एज इट्स प्रेसिडेंट, एच सी मुखर्जी as its vice chairman and B.N. Rao as constitutional legal advisor. There was initially 389 members in total, jo baad mein separation ke baad 299 ho gaya Bharat mein. Out of 389 members, matlab agar Pakistan ko mila ke tha pehle, haan sir, Bharat ko alag karne ka baad nahi tha, tab Bharat ka total member banta constitutional assembly ka 389, Pakistan ko mila ke, aaj ka Pakistan, so called bekar ka, theek hai, 389 ko baad mein hata ke 13 दिसंबर 1946 जो आपको मैं शुरू में समझा रहा था, जवाहरलाल नेहरू ने ही पेश किया, और वही बाद में कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बना
that is sovereign democratic and republic. Socialism or secular 76 mein baad mein aaya emergency ke dauran. 22nd January 1947 ko objective resolution unanimously adopted, but without any objections. 22nd July 1947 national flag adopted. 15th August 1947 achieved independence. India split into a Dominion of India and Dominion of Pakistan. 29th August 1947 drafting committee appointed by B.R. Ambedkar as its chairman. The other six members committee, Mohammad Sadullah, Aladi Krishnaswamy, Krishnaswamy Iyer and N. Gopalaswamy Iyengar. Khaitan and Mittar, 16th July 1948, along with Harendra Kumar Mukherjee, V.T. Krishnamachari was also elected as the second Vice President Constituent Assembly. 26th November 1949, the Constitution India was passed and adopted by the Assembly. And 24th January 1950, last meeting of Constituent Assembly, the Constitution was signed and accepted. 395 Article, 8 Schedule and 22 Parts mein, 1950 mein isko banaya gaya tha. And fir 26 January ka wo din, jis din se Bharat ko Republic banaya gaya, the Constitution came into force, process of 2 years, 11 months, 18 days, a total of 6.4 million rupees ka kharcha karke constitutions ko form kiya gaya tha. 6.4 million. G.B. Malvekar was the first speaker of the Lok Sabha, the lower house of the parliament after India turned into a republic. Bharat ka pehla speaker G.B. Malvekar was the first speaker of Lok Sabha, the lower house. Do house hote hai parliament mein, ek upper house, ek lower house. लोअर हाउस मीन्स लोकसभा, अपर हाउस मीन्स राज्यसभा. ये सभी चीज आगे आगे पढ़ेंगे सर. जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था उसका मेंबरशिप बी आर अम्बेडकर, संजय पाखे, जवाहरलाल नेहरू, श्री गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, कन्हैयालाल मखनलाल मुंशी, गणेश वासुदेव मावलकर, संदीप कुमार पटेल, अब्दुल कलाम आजाद जो एजुकेशन मिनिस्टर भी बना था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बीजेपी का बेसिकली फाउंडर मेंबर जनता दल था बाद में. एक्चुअली पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस का ही थे, लेकिन बाद में मतभेद के कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनता दल बनाया जो आज का बीजेपी है सर. आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? हेलो, नलिनी घोष, Balwant Rani Mehta were key figures in the assembly, which is over 30 representative of the scheduled classes. Frank Anthony represented Anglo-Indian community. Scheduled classes, मतलब SC category से 30 representative थे. Frank Anthony थे Anglo-Indian community से, and the Parsis were represented by Parsis were represented by H.P. Modi. Harendra Kumar Mukherjee, a Christian assembly vice president, chaired in minority committee and represented non-Anglo-Indian Christians. आरी बहादुर गुरु, मतलब सबका अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव का डिटेल्स दिया गया है. गोरखा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया था बहादुर गुरु. जजेस सच एज अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, बंगाल बेनेगल नरसिंह राव, के एम मुंशी, गणेश मालवकर वर मेंबर्स ऑफ द असेंबली. फीमेल मेंबर में सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, अमृत कौर एंड विजय लक्ष्मी पंडित. नेहरू का पंडित नेहरू के कौन थे, बहन थे ना विजय लक्ष्मी पंडित. कौन थे विजय लक्ष्मी पंडित? कोई तो थे नेहरू जी का पेरेंट्स. यस सर, पेरेंट्स बहन थे ना, क्या मैंने सही बोला? हाँ हाँ हाँ, सिस्टर. सो ये था मेंबरशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब फॉर्म हुआ था भारत में. द टू फर्स्ट टू डे प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली वाज सच्चिदानंद सिन्हा एंड राजेंद्र प्रसाद वाज लेटर इलेक्टेड प्रेसिडेंट. Made for its first time on 9th December 1946. सर बहुत लंबा हिस्ट्री है कॉन्स्टिट्यूशन का, पूरा डिटेल्स में आपको थोड़ा सा बताया ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए देश के संविधान के प्रति. अभी भी कुछ पॉइंट बाकी है जो मैं आपको नेक्स्ट दिन बताऊंगा. यहाँ पर एक लिस्ट है, मैं आपको नोट शेयर करूंगा, आप लोग प्लीज़ घर में इसको गो थ्रू कीजिएगा. भारत का संविधान बनाने के लिए कौन से कंट्री का हेल्प लिया गया, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं. मैं ये वाला बात पढ़ के आज का बात खत्म करूंगा. जब भारत का संविधान बना था तो उसमें यूके का बहुत बड़ा हाथ है ऑब्वियसली, क्योंकि उनसे ही हमें आज़ादी मिला है. पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट यूके से लिया गया. ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मोर पावरफुल लोअर हाउस, मतलब लोकसभा जो है उनका पावर ज़्यादा है, लोकसभा का पावर ज़्यादा है.
कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजन, लेजिस्लेटिव प्रोसीडियर, बाइकमेरल लेजिस्लेचर, रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम, लेजिस्लेटिव स्पीकर एंड देयर रोल, प्रेरोगेटिव राइट, पार्लियामेंटरी प्रिविलेज, ये सब चीज यूके से लिया गया। ये सभी चीजों का मतलब आपको मैं नेक्स्ट क्लासेस में आगे आगे बताऊंगा जितना जरूरी है। ऐसे ये बहुत डिटेल्स है सर, एक एक पॉइंट बहुत बड़ा है। बिल ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, यूनाइटेड स्टेट से लिया गया। हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली यूएसए से लिया गया है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस एंड हिज फंक्शंस, इंस्टीट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, इलेक्टोरल कॉलेज, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट एज ए कमांडर इन चीफ एंड आर्म फोर्सेस, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ। ठीक है, ये सब यूएस से लिया गया सर। आयरलैंड से भी हम लोगों ने लिया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, जो अपर हाउस है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, आयरलैंड से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से भी हम लोग लिए। फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिटवीन स्टेट्स, स्टेट और सेंट्रल के बीच में जो फ्रीडम है वो ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने लिया। नेशनल लेजिस्लेटिव पावर टू इम्प्लीमेंट ट्रीटीज इवन ऑन मैटर आउटसाइड नॉर्मल फेडरल जुरिसडिक्शंस, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट भी कहा जाता है, आगे बताऊंगा। प्रोविजंस ऑफ जॉइंट सेशन एंड द पार्लियामेंट, प्रीएम्बल टर्मिनोलॉजी, फ्रांस से हम लोगों ने लिया। नोशंस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी, जो आपको मैंने बताया। ठीक है, इन द प्रीएम्बल में जो हमारा है ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी, फ्रांस से लिया गया, द आइडियल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ द प्रीएम्बल। कनाडा से भी हम लोग कुछ लिए, जैसे क्वासी फेडरल गवर्नमेंट। क्वासी फेडरल मतलब स्टेट के पास भी पावर है, सेंट्रल के पास भी पावर है, बट कितना पावर किसके अंदर कितना दिया जाएगा, दैट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ क्वासी फेडरल। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आगे आगे बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट भी है। क्वासी फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होगा स्टेट से। ठीक है, ये क्वासी फेडरल गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट कनाडा से आया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, रेसिडुअल पावर रिटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट, जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में जगदीप धनखर जी, कनाडा से लिए थे हम लोग। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सोवियत यूनियन। रशिया से क्या लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A, मैंडेट प्लानिंग कमीशन टू ओवरसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आइडियल ऑफ जस्टिस दैट इज सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटीज, मतलब बेसिकली रशिया से जो लिए ये बेसिकली क्या है, सोशलिज्म है। ठीक है, है ना सर, मार्क्सवाद, समझ रहे हैं हम लोग, कम्युनिस्ट को खुश होना चाहिए। नेक्स्ट इज जर्मनी, आई थिंक ये जर्मनी का ही है, वाइमर रिपब्लिक, मतलब जर्मन रे, हाँ जर्मन का है। ठीक है, तब वाइमर रिपब्लिक के नाम से था। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे सबका फंडामेंटल राइट्स छीन लिया गया था, ये जर्मनी से लिया गया। ये जो इमरजेंसी के टाइम पे भारत को सेकुलर सोशलिज्म दिया गया और गवर्नमेंट के पास सारा पावर आ गया था, ये एक्चुअली हिटलर का काम है, हिटलर ने ऐसा रूल बनाया था जर्मनी के अंदर। ठीक है, इमरजेंसी को लेके बहुत कंट्रोवर्सी है सर। साउथ अफ्रीका भी हमें बहुत कुछ दिया। अमेंडमेंट ऑफ प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या अमेंडमेंट कैसे होगा एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा कैसे होगा। जापान भी हमें, ऐसे जापान के साथ हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है, साउथ अफ्रीका के साथ भी, सभी के साथ रिश्ता अच्छा है हमारा। प्रोसीडियर एस्टेब्लिश बाई लॉ एंड लॉज ऑन विच सुप्रीम कोर्ट फंक्शन, सुप्रीम कोर्ट कैसे फंक्शन करेगा, ये सब हम लोगों ने जापान से लिए। सर प्लीज टेल मी, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी कुछ बातें हैं, बहुत सारे बाकी रह गया, स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे बना है, कितना सारा सी चीज आर्टिकल्स वगैरह है, ठीक है, कितना शेड्यूल्स हैं, सब कुछ मैं आपके साथ बात करूंगा। गवर्नमेंटल पावर, सोर्स ऑफ पावर, सुप्रीम कोर्ट का पावर, हाई कोर्ट का पावर, राज्यसभा का पावर, लोकसभा का पावर, काम क्या है, ये सभी चीज आपके साथ बात करना मेरा बाकी रह गया। सो वो चर्चा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन प्लीज टेल मी, जितना आज मैं आपको इतिहास बताया, जितना मैं आपको प्रीएम्बल समझाया, एक एक चीजों का मतलब समझाया, क्या आप लोगों को समझ में आया? आप इंस्टीट्यूट के मैट में जाइए, वहां से भी देखिए। ठीक है, ये तो एक ओवरव्यू कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, काफी डिटेल्स में बात करूंगा, लेकिन आप इंस्टीट्यूट के मैट में भी जाओगे आपको यही चीज दिखेगा। प्लीज मस्ट गो थ्रू, और मैं भी नोट आपको शेयर कर देता हूँ। ओके सर, कोई क्वेश्चन है तो करो, अदरवाइज आज इतना ही है। टाटा बाय फॉर। सर तथा शालिनी।
ओके ज्योति, नंदिनी, अभिषेक, बाय सर, ओके सर, टाटा, बाय सर, ओके ओके, बाय सर, बाय बाय. আমি ওয়েট করছিলাম, হ্যাঁ সেটা।